टफ था। दो हजार बीस का जो पेपर आया था यूपीएससी का, वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है लास्ट 5 सालों का। आवाज आ रही है सभी को? अच्छी सुना। अब अच्छी न्यूज ये रही कि कट ऑफ सबसे कम रही 92। बात समझ में आई? क्लियरिटी यस सर। आई बात में? कि वेन एवर द पेपर कम टफ द कट ऑफ गो डाउन। तो कई बार वो जादू मंत्र वाले जो कोचिंग क्लासेस होते हैं ना, जहाँ पे बोलते हैं कि 90 क्वेश्चन करके आओ, 80 क्वेश्चन करके आओ, ऐसे में डूब जाता है आदमी। ठीक है, कई बार पेपर इतना टफ हुआ है कि आपके 40 क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे होते कैसे होंगे। ठीक है, तो पेपर को पेपर के अंदर ही प्रिडिक्ट करना होता है। पेपर को पेपर के अंदर ही क्या करना होता है? प्रिडिक्ट करना होता है कि हाँ भाई पेपर आखिर किस लेवल पे चल रहा है। अगर इतनी प्रिडिक्शन कर पा रहे हो, देन उसके बाद अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करोगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियरिटी है बात को? गो डाउन यहाँ पे किसी? जी गुड। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझनी जरूरी है। हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो GS 3rd के पेपर के अंदर आता है आपका। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता यूपीएससी का पैटर्न क्या है तो वो समझ लो बस इतना सा, थोड़ा सा। एक जीएस पेपर फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है, उसके बाद एक थर्ड पेपर होता है, और उसके बाद GS 4 होता है। ठीक है, GS 4 जो होता है वो आपका एथिक्स वगैरह से रिलेटेड होता है। GS 2, GS 3 जो होता है वो आपका आता है किसी से, इकोनॉमी साइंस एंड टेक वगैरह से। GS 2 जो रिलेट करता है वो पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह से रिलेट करता है, IR से रिलेट करता है। और GS 1 जो होता है वो रिलेट करता है आपका ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सारे सिनेरियो में। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है? कोई डाउट इस बात में? अब समझते हैं कि इको के पेपर का ट्रेंड क्या है, क्योंकि हम इको के यहाँ से बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो किसी को बहुत स्कैरी जंप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि यार हमें तो बेसिक आता है, हमें कैसे बेसिक पढ़ना है, या वो भरम भी हम यहीं तोड़ेंगे, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, कितना आता है कितना नहीं आता है सारी चीजें हम यहीं पे बताएंगे। टेंशन बिल्कुल किसी चीज की टेंशन मत लो। तो देखो जरा, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट जो है ये समझ लो सबसे पहले। दो 2013 से अगर हम पेपर को देखते हैं, क्योंकि 2013 में पेपर का सिलेबस चेंज हुआ था, अगर हम वहां से देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमको कि 2013 में कितने क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स के? 18 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन। एंड उसके बाद लास्ट 5 सालों के पेपर देखोगे तो सब में ही क्वेश्चन कितने हैं? 20+ क्वेश्चन हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको पूरा का पूरा लगभग 40 मार्क्स दिलाने का काम कर रहा है आपका आपका इकोनॉमिक्स कर रहा है, तो गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, और आप यहीं पे साइड में कट ऑफ भी देख सकते हो। ठीक है, तो यानी ये कह सकते हो कि अगर इकोनॉमिक्स अच्छी हो तो आप उस बिहाफ पर भी अपनी प्रीलिम्स को क्या कर सकते हो? क्वालिफाई कर सकते हो। पर इकोनॉमिक्स खराब हुई तो क्वालिफाई नहीं होगा, ये कंफर्म है। क्लियरिटी है? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? क्लियर है सर। यहाँ पर समझना ये बहुत जरूरी है कि सर ये क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, हमारा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड, पहले तो वो बच्चे रेज करो अपने हैंड जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, मतलब जिन्होंने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। रेज योर हैंड, मैं देखू कितने वैसे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी 11th 12th में। एक, बस एक बच्चे ने। बताओ क्या करा जाए इसका? तो अगर नहीं पढ़ी तो क्या करे, छोड़ दे पेपर? छोड़ना पढ़ लेते सीखा हैं। नहीं सर। हाँ,
क्या करें फिर सर? पढ़ी तो पॉलिटी भी नहीं थी, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी थी। वेरी गुड। पर इकोनॉमी और हिस्ट्री और पॉलिटी में क्या फर्क है बेसिकली? फर्क ये है आपको नोबेल प्राइज ना है, पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि इकोनॉमी एक आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, इसे साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसे अच्छे टेम्परामेंट के साथ बहुत आराम से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सर, कितना पढ़ने से इकोनॉमिक्स कम मतलब सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, हमारे क्वेश्चन होने लगेंगे? दो चीजें हैं, दो चीजें सर बहुत जरूरी है। पहली तो है भैया वो कि आप क्या करो, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो एग्जाम होता है, जो आपका यूपीएससी एग्जाम है, वो क्या चाहता है। तो यूपीएससी ना दो चीजों का गेम है, पहला कि आपकी नोइंग कैसी है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, और दूसरा नॉलेज जो होती है बच्चों वो होता है फैक्ट। नॉलेज क्या होता है? फैक्ट होता है। जैसे आप ये जानते हो कि इन्फ्लेशन क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे कि आप नॉलेजफुल हो। यस और नो? अग्री? आपको ये पता है कि इन्फ्लेशन क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या भाई आपके पास नॉलेज है, आपको इन्फ्लेशन पता है क्या है। बट जब आप ये जानते हो कि इन्फ्लेशन किस तरीके से इकोनॉमी को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। तो इकोनॉमी या फिर कोई भी यूपीएससी का सब्जेक्ट जिस चीज की डिमांड करता है आपसे, यूपीएससी जिस चीज की डिमांड करता है वो है क्या भाई? अंडरस्टैंडिंग विद नॉलेज। नॉलेज थोड़ी कम भी चल जाएगी बट अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यानी आपको जिस देश का आईएएस बनाया जा रहा है, जिस देश में एज ए आईएएस आप काम करोगे, वहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि रिसोर्सेस क्या है आपके पास, कम है, एंड यू हैव टू बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर काम करना होगा। आपको कम से कम रिसोर्सेज में ही ज्यादा से ज्यादा क्या देना पड़ेगा? अपना बेस्ट देना होगा। क्लियरिटी है बात को? किसी को इस बात में दिक्कत? अब मैं आपको एक रिलीफ वाली बात बताता हूं, और वो क्या है कि 50 क्वेश्चन के बाद यूपीएससी के अंदर किसी के पापा को भी नहीं पता कि क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाले, ठीक है? 50 क्वेश्चन तक सबको आइडिया रहता है कि हाँ, मतलब कि सबके 50 क्वेश्चन तक समझ में आ रहे होते हैं, हाँ मैंने ये वाला यहाँ पढ़ा था, मैंने ये वाला यहाँ पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा, श्योर होते हैं। मतलब ये 50 क्वेश्चन के साथ लगभग कितने बच्चे परसेंट श्योर होते हैं? 80% बच्चे श्योर होते हैं कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चन आता है। उसके बाद गलती होती है, वो एक अलग मुद्दा है। पर बाद बाकी 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैसे सॉल्व होते हैं? कैसे सॉल्व होते हैं बच्चों? अंडरस्टैंडिंग से। कि जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, आप उतना ही अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, एलिमिनेट कर पाओगे, आप उतना ही क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, आप उतना ही अच्छे से क्या कर पाओगे, आंसर लिख पाओगे। क्लियरिटी यहां पर? यूपीएससी के अंदर टॉप करने का जो राज है, आईएएस बनने का जो राज है, वो भैया टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर? अंडरस्टैंडिंग प्लस राइटिंग। आप बढ़िया लिखना जानते हो, आप कह रहे हो सर नहीं, तो लिखो, अच्छा लिखो, डेली लिखो, गलत लिखो पर रोज लिखो। जब आप बार बार लिखते चले जाओगे तो आप धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाओगे? ठीक हो जाओगे, बेहतर हो जाओगे, और ऐसा लिखने लगोगे कि अगर आपकी अक्टूबर के अंदर कॉपी देखी जाएगी और फिर जाकर के आपकी मार्च में कॉपी देखी जाएगी, आप खुद अपनी कॉपी को देख के बोलोगे यार ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तो मजा आ गया, इतना कैसे इंप्रूव हो गया? क्यों? क्योंकि एक ही तरीका है भैया किसी चीज को सीखने का, और वो है करना, ठीक है? अगर मुझे स्विमिंग सीखनी है तो मुझे पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं मैं साइड में बैठा रहूं और ऐसे बैठे बैठे सोचता हूं हे भगवान का स्विमिंग आ जाती, माता रानी का स्विमिंग आ जाती, ऐसे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी गो इन द वॉटर। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको सीधा जाके मरीन ड्रिच में कूदना है या फिर आपको स्विमिंग पूल से शुरू करना है। एक और बात, कुछ भ्रम है जो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट तो शुरू करेंगे ही, वो तो पढ़ना ही है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा ना तो बनाया जाता है,
एक तो यूपीएससी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है ना कि हर बंदा एक अलग ही चीज आपको बता के जाता है और उसके बाद पता चलता है कि यार हमें तो ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना था, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना था। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो द हिंदू पढ़ते हैं, रेज योर हैंड। कितने लोग हैं जो द हिंदू पढ़ते हैं? दो। तो जो हिंदू पढ़ रहे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तुम लोग सौभाग्यशाली हो, बच गए। अब पूछो सर क्यों? क्योंकि देखो भैया, द हिंदू पढ़ा, 3 घंटे दिए, समझ में कुछ नहीं आया, तो द हिंदू पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और द हिंदू जिसने भी सजेस्ट करा, जो भी सजेशन देते हैं कि द हिंदू पढ़ो, ठीक है भैया, वो तुम्हारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से अवेयर नहीं है, ठीक है। तुमने पढ़ाई करी है हिंदी माध्यम से, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हुई हिंदी माध्यम से। द हिंदू लिखता है शशि थरूर वाली इंग्लिश, ठीक है, आपको हार्ट अटैक आ जाए। पहले इस द हिंदू को समझने के लिए डिक्शनरी लो, फिर डिक्शनरी को समझने के लिए डिक्शनरी लो, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप अपने लेवल पर, कैसे आपका लेवल है पहले उससे स्टार्ट करो। तो अगर जो द हिंदू नहीं पढ़ता है वो किस न्यूज़पेपर को शुरू कर सकता है? एक अच्छा न्यूज़पेपर आता है, और मुझे इस समय सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर लगता है वो है इंडियन एक्सप्रेस। बहुत बढ़िया लिख रहा है, इकोनॉमी बहुत अच्छे सेक्शंस पे लिख रहा है। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी मत पढ़ो, आप खाओ और सीधा मैगजीन पढ़ो। आजकल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें जो मैगजीन देने की सुविधा है वो सारे के सारे न्यूज़पेपर को पहले ही क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। वो पहले ही क्या करते रहते हैं, वो पहले ही सारे न्यूज़पेपर को क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपकी मम्मी ने सब्जी रोटी बना के रखी, आप कह रहे हो नहीं मैं तो खुद आटा गूंदूंगा, मैं तो खुद खाना बनाऊंगा। इसे हम कहते हैं बेवकूफ। बना दिया है ना किसी ने, बढ़िया से बैठ के थाली में खा लो, बस ये देख लो खाना सही है या गलत। और ये आप दो एक मैगजीन पढ़ के देख लो, आपको खुद ही अंदाजा मिल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। इतनी बुद्धिमत्ता आप लोगों के अंदर है। क्लियर है यहाँ पे बात? यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछो प्लीज, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। सर मैगजीन में कभी कभी लगता है कि कुछ इरेलेवेंट चीज भी दिया हुआ है। छोड़ दो, न्यूज़पेपर से तो कम ही इरेलेवेंट होगा ना। अब भट्ट साहब न्यूज़पेपर उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, हाउ द तालिबान टिक ओवर द अफगानिस्तान। अचानक से उनका एक नजर पड़ती है कि भाई 3 लोगों ने मिलकर के किसी से पैसे छीने। भट्ट साहब वो वाला न्यूज छोड़ करके वो वाली न्यूज पढ़ लें और अंदर से फील आता है न्यूज़पेपर पढ़ा था आज। वो भी तो है ना, वो आप क्या प्राइड ले लिया, हाँ पढ़ा तो था न्यूज़पेपर, बट आपने कितना काम का पढ़ा। अच्छा दूसरी बात, ये जो बच्चे कहते हैं ना द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, समझो बात को, दीज स्टूडेंट आर दोस्त जिनके पापा भी द हिंदू पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे पापा से बोल दो न्यूज़पेपर पढ़ो, बोलते हैं ऐसा है ज्यादा तो चौचा चौधरी बनने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तेरे लिए वैसे ही 10 रुपए का न्यूज़पेपर मंगा रहे, यही खर्चा में पूरा नहीं पड़ रहा, ठीक है। पढ़ता हो तो बता, नहीं तो तेरी मम्मी रोटरी भेज देगी, ठीक है। तो आप, मैं फिर ये कह रहा हूँ, हर बच्चे का एक अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हम क्या कर रहे हैं, हम ना दूसरे को देख के जज कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हो जाए और आप उस लेवल के तैयार नहीं हो, तो आप बेवजह अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो। आप मानो कि मुझे 2 साल लगेंगे, ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आप मानो कि हाँ भाई हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। अब एक बच्चा तो IIT से पढ़ के आ रहा है, ठीक है, और एक बच्चा पढ़ रहा है भागलपुर यूनिवर्सिटी से। भागलपुर यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाया है कैसा, मास्टर को उसने बोल दिया, मास्टर ने बोला कि सर जी इंग्लिश पढ़ा दो, मास्टर उसको ये बोल के जा रहा तेरे बाप ने पढ़ी है तो तू पढ़ेगा। अब दोनों बच्चे IAS की तैयारी करने आ गए और दोनों कह रहे कि एक ही साल में निकाल देंगे। भाई IIT वाले का लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है, आपको थोड़ा टाइम देना। ये नहीं है वो बन नहीं सकता, यहाँ पे फिर कोई गलत वे मत लेके जाना, वो बन नहीं सकता, बन सकता है और बनेगा भी, बट उसका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है कि हाँ यार मेरे को तो 1.5 साल लग गए। 1.5 साल लगेंगे भैया, आपको अपने आप को तैयार करना है ना। अब किसी का हिस्ट्री ऑनर्स रहा है ग्रेजुएशन में, उसको तो NCERT नहीं पढ़ने की जरूरत है,
ये बात आप मानते हो ना, उसका तो बहुत अच्छा है, उसको तो पता है डलहौजी क्या है, उसको तो पता है कि क्या कहते हैं वुड डिस्पैच क्या है, उसको तो पता है क्योंकि उसने पढ़ रखा है। और आप आए हो कौन से बैकग्राउंड से, आप आए हो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आप भी कह रहे हो मैं भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो नहीं पढ़ रहा। अरे उसका बैकग्राउंड तुम्हारा बैकग्राउंड अलग अलग है भाई, समझो इस बात को। और किसी कोई डाउट भाई बताओ, किसी और को कोई डाउट इस सिनेरियो में? सभी डाउट क्लियर है? हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? डाउट नहीं है ये, बोलो। सभी को क्लियरिटी आ गई एक बात की। अब चलो थोड़ा देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। देखो भैया, लड़ाई करने जाओ और अपोनेंट के बारे में ना बताओ ना, तो तुम्हारा सिर्फ कटना है बेवकूफ, ठीक है? सो फर्स्ट यू हैव टू बी नो योर अपोनेंट, क्यों क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है। देखो जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और अपने तरीके से, प्लीज यहाँ पे किसी को लोड नहीं है कि आंसर सही देना है, अपने तरीके से पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ, आपको क्या लग रहा है इसका क्या आंसर होगा। और जिसको नहीं आता उसको कोई लोड नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे। भट्ट साहब ने आंसर दिया है, रिया महेश्वरी ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अब ईमानदारी बता दो, किसने इसमें से जिन्होंने आंसर दिया है इसमें से प्रीवियस ईयर पेपर कर किसने लिया है, ये भी हाथ रेज करो। कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब देखो ये क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाओगे? अब ये क्वेश्चन कई सारी चीजों से मिक्सचर है, ये आपका क्या कह रहे हैं, आपका करंट अफेयर का पॉइंट भी बता रहा है, ये एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन को भी दिखा रहा है, बिछड़ेपन को भी दिखा रहा है, ये साथ ही साथ आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बता रहा है। और अगर आज के सिनेरियो में देखोगे तो जो फार्म बिल आया उससे भी रिलेट कर जाएगा कई बार ये क्वेश्चन, क्योंकि फार्म बिल का पूरा मेथड ही क्या है कि वो क्या खत्म करने पे लगे हुए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ही तो खत्म कर रहे हैं। तो देखो मिनिमम फिक्सिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये तो एक बिल्कुल सही एकदम बिल्कुल, ये क्या है, क्या बोल रहा है, कंसिडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ये बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जब भी मिनिमम सपोर्ट की बात करी जा रही है तो इसका मतलब पब्लिक को दूर रखा जा रहा है। आपने क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया कैटेगरी को। दूसरा बोल रहा है कंप्यूटराइजेशन फॉर द प्राइमरी एग्रीकल्चर फॉर क्रेडिट सोसाइटी, ये जरूरी है, ये बात बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर बताओ भाई। अच्छा सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, बिल्कुल ये भी करना है, इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी क्या करना है, सोशलाइज्ड करना है आपके एग्रीकल्चर को। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, बट प्रोडक्शन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। डिपेंडेंसी ज्यादा होने के साथ ही प्रोडक्शन में कमी है। और तीसरी चीज देखो आप क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर, नहीं ये नहीं है। वेबिना एग्रीकल्चर लोन वापस करना, ना बिल्कुल नहीं है। सेटिंग अप द कोल्ड एरेज, बिल्कुल ये भी है। तो आपका क्या होगा इसका आंसर, टू और उसके बाद आपका थ्री और उसके बाद सिक्स। तो जिस जिसने भी सी आंसर दिया उसका आंसर क्या है, सही है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कैसा है, इसे हम बोलते हैं एक टफ क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक टफ क्वेश्चन। हाँ अभी जी पूछिए। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो है तो उसमें पब्लिक मनी तो गवर्नमेंट अगर अलाउ करेगा
पब्लिक मनी तो इन्वेस्ट होगा ना उसमें, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट? वो इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी, समझो मैंने एक वर्ड बताया था आप लोगों को याद हो कि एक होता है कैपिटल कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस अभिषेक एग्री हो इस बात से? सो जो अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी तो क्या आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलोगे? टेल मी। ना 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 ना। हाँ यही तो खेल गया, यही तो यूपीएससी क्या गया आपके साथ खेल जाता है। वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, और अभी लोन वापस कर रहे हो तो भैया कहाँ की इन्वेस्टमेंट है? ये तो रिम्बर्समेंट हो गई, नुकसान है तो सरकार का। समझो कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जिनको इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है, रेज योर हैंड बच्चों। फिर मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। तेरह बच्चों में चार पांच बच्चों को पता है इन्वेस्टमेंट का मतलब। सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हुई थी सर अभी जब आपने पूछा था तब हुई थी। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट क्या है ये किस किस को पता है? बहुत सारे बच्चों को पता है। लक्ष्मी आंसर तो बेटा क्या होती है इन्वेस्टमेंट बताओ जरा। सर मतलब ऐसी जगह पे लगाना है जहां से इनकम जनरेट होने के मतलब होगी इन्वेस्टर। जहां से इनकम जनरेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लगभग साउंड गुड। तो आप बताओ आपको इसको आप ध्यान से समझो, इसमें से लग कैसा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे हम तो उससे इनकम जनरेट होगी गवर्नमेंट की? बोलो लक्ष्मी। ये वेलफेयर तो है किसके लिए? आपके किसानों के लिए। पर ये इनकम जनरेट नहीं। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं सर उनका नेटवर्क खराब है। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना बच्चों सभी को? यस सर। ओके हाँ बेटा बोलो। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। देखो चलो हम इस पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस टाइप का पूछा जा रहा है पेपर में? आगे देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी एक टफ क्वेश्चन है, ये भी एक टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ भाई। अभी मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा, बस मैं अभी आपको पेपर से अवेयर करवा रहा हूँ, तो किसी को भी इनपेशेंट नहीं होना है कि हाँ सर जी पता नहीं क्यों क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए करवाया जा रहा है जिससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाए कि क्या कहना चाह रहा है कवि आपसे। यहाँ पर कवि का मतलब यहाँ पर यूपीएससी से है। जहां भी मैं कवि यूज करूं वर्ड वो यूपीएससी होता है मेरे लिए। भट साहब हाँ जी बताइए। बालक आंसर दीजिए। वो पहले रेज किया था इन्वेस्टमेंट। अरे वो मैं समझ गया। आंसर दीजिए, लगाइए अपना दिमाग। बहुत बढ़िया, राहुल ने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया। यारा नहीं सर मुझे आता है। बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे बच्चों तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन करंट अफेयर की साथ साथ किस चीज के साथ मिक्स है? आपके स्टैटिक पोर्शन का मिक्सचर है। हल्का सा करंट अफेयर का तड़का है, साथ में स्टैटिक पोर्शन है। राहुल ने आंसर दिया है। और कोई अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहता हो? भट साहब ने आंसर दिया है, वेरी गुड। मनोज जी ने आंसर दिया। बहुत बढ़िया। अभिषेक ने आंसर दिया। देखो जरा आपको बताए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखी है। और देखो ये ना अब यहां पर देखो बच्चों जरा
ये आईआर से भी रिलेट कर जाता है क्योंकि इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, क्योंकि देखो किस किस का नाम आ रहा है, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश और नेपाल, है ना। तो आपके जो नेबर कंट्रीज है उनमें ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी हो तो अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बता रहा है कि देखो हम ऐसा पूछ लेंगे। अच्छा क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका ट्रेड कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग लास्ट डेकेड। बिल्कुल गलत बात है, श्रीलंका का ट्रेड बढ़ा है किसके साथ, चाइना के साथ। ये बात तो पता ही आप लोगों को, बिकॉज चाइना के साथ उन्होंने क्या क्रिएट करा है, पोर्ट वगैरह क्रिएट करा है, डेप्ट वगैरह लेने में लगे हुए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म। तो अगर पहली बात गलत है तो इसका ए भी आंसर नहीं होगा और इसका डी भी आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं बात, बोल रहा है टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट अ इंपॉर्टेंट आइटम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये बात बिल्कुल सही है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वो टेक्सटाइल आर्टिकल्स के ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन लास्ट 5 ईयर नेपाल हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। नहीं, यहाँ पर कौन है हमारा साउथ एशिया में सबसे बड़ा पार्टनर कौन है हमारा, किसके साथ कर रहे हैं हम लोग सबसे ज्यादा व्यापार, बताओ भाई किसी को आइडिया हो तो। सबसे ज्यादा लास्ट 5 सालों में हमने किसके साथ ज्यादा व्यापार कराए हैं, चाइना ही है सर। हाँ ऑब्वियस ही बात है, चाइना, चाइना के साथ ही सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है, नेपाल की टक्कर में ही नहीं है चाइना, तो मतलब ही नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, चाइना बी, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बात, समझ पा रहे हो बात को बच्चों, कि आपको किस चीज पर ध्यान रखना है पेपर पढ़ते वक्त, कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त, क्लियरिटी मिल रही है। आगे देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग 90% बच्चे दे देंगे। आप में से कोई ना दे पाए तो ये नहीं कि सर 90% दे सकते हम नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसने सिलेबस पढ़ लिया वो इसका आंसर बड़े आराम से देगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताओ भाई बच्चों जरा इसका आंसर, ये बात मैंने डिस्कस भी करी थी आपसे पीछे से पीछे क्लास में, जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था थोड़ा बहुत। डी, रिया जी का आंसर आ गया है, भट्ट साहब का आंसर बी आया है। भट्ट साहब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, भट्ट साहब फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, राहुल जी फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है देखो जरा, बोल क्या रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है अलोंग विद, क्या बोल रहा है, अलोंग विद बजट The finance minister also place order other document before the parliament which include the macroeconomic framework statement। और आपको पता है जब भाई बजट की बात हो रही है तो बात सिंपल सी 112 तो प्रेजेंट कर ही रहा है, तो अलग से प्रेजेंट क्या करेगा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिकल 113 से कोई लेना देना नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कुछ, आपके क्या कहते हैं बजट से। अच्छा, एंड द aforesaid document is presented because this is mandatory। और आपको पता है कि क्या आ गया है, आपका जो financial responsibility and budget management act होता है वो इसी चीज को देखने का काम करता है, किस चीज को, कि भाई fiscal deficit को लेकर के आप क्या करोगे, fiscal deficit को लेकर आप क्या provisions लोगे, ये बात देखने के लिए ही इसको, इस document को, इस provision को साथ साथ ही क्या करा जाता है, present किया जाता है, because it is mandatory कि आप घाटा तो कोई बात नहीं घाटा कर लो, पर आप घाटे को किस तरीके से डील करने वाले हो ये भी बताओ। बात समझ में आ रही है, आप नो मैटर आप ले लो, आप कर लो नुकसान जो हो रहा है, बट क्या, ठीक है, ठीक है जी, क्लियरिटी यहाँ पे बच्चों, जी सर। देखो मैं आपको सिर्फ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो,
वेरी गुड रिधा खान, खान जी अचानक से ऐसा, नहीं ऐसा लगता है ना जैसे तुम्हें वैसा क्वेश्चन मिल जाए जो तुम्हें आता हो एकदम, मतलब अंदर से लगता है हाँ हाँ बस जीवन इन्हीं क्वेश्चनों के साथ कट जाए। देखो सबके आंसर आ गए अचानक से, खुशी अलग लेवल की होती है, तो इस पर बंदा पार्टी दे दे। और यही वो क्वेश्चन है जो सबसे डिस्कस करने के लिए बिल्कुल बेकरार रहता है, तो इस क्वेश्चन पे तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, सभी को पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। अब ये आपको पता है कहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ये क्लास 11th की बुक में भी लिखा हुआ है। अब जिसने 11th 12th में पढ़ा ही नहीं कुछ, या जिसे कभी बिल ऑफ एक्सचेंज ही नहीं पढ़ा, तो उसके लिए ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, टफ हो जाएगा। सो क्वेश्चन की टफनेस और इजीनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितनी ज्यादा है, आपको कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इस रिलेशन में बोल रहा हूं क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में ज्यादातर लोगों को पता रहता है। बताओ जरा इसका आंसर, बच्चे सोच रहे होंगे सर हमसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज। भट्ट साहब ने आंसर दिया, भट्ट साहब एक बात तो है, भट्ट साहब आंसर बहुत जल्दी देते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे। थैंक यू सर, इसी बात पे तुम्हें 500 रुपए मुझे ट्रांसफर करने हैं। तुमने बोला था ना सर मेरी तारीफ कर देना क्लास में, 500 रुपए दूंगा आपको। ठीक है सर, जो 1000 उधार लिया वो दे देना सर। हाँ भाई और आंसर दो सर, 10 रुपए नहीं मिले अभी। अच्छा अभिषेक कह रहा सर मेरे को 10 रुपए नहीं मिले। अभिषेक मेरी तरफ से आईफोन दूंगा, और मैं इस बात को देखो फिर से रिकॉर्ड कर लेना, जो भी इस क्लास के अंदर बच्चा टॉप 100 रैंक लेके आएगा उसको मेरी तरफ से एक आईफोन। कह रहे सर टॉप 100 आ जाए अब हमसे ले लेना। हाँ सर गुरु आशीर्वाद दे दो यही बहुत है। अरे भाई साहब बस 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 ये मक्खन लगाने वाली बात मत करो। कह रहे सर अगर आप आईफोन दोगे तो हम ले लेंगे, आशीर्वाद भी चाहिए आईफोन भी चाहिए। मॉडर्न स्टूडेंट बनो ठीक है सर, गुरु के प्यार से कुछ दे तो उसको मना नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। हाँ मनोज कह रहा है, और ये जब आईफोन है तो बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। हाँ भाई बताओ बच्चों आंसर, और कोई अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाना चाह रहा है। देखो एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है फ्लो ऑफ मनी को मार्केट में बढ़ाना, फ्लो ऑफ मनी को मार्केट में बढ़ाना, यही एक्सपेंशन कहलाएगा। और एक्सपेंशन करने का मतलब हो गया भैया कि क्या, कि ये बात तो बिल्कुल सही है करेगा ही करेगा, और ये भी बात बिल्कुल सही है अगर इंक्रीज कर देगा MSLR जो कि क्या है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो उस सिनेरियो में फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सेकंड सही है, इसका आंसर सही क्या है बी। ये समझाऊंगा अभी टेंशन मत लो इस बात को लेकर, क्लियर है यहां पर बात। तो जिस जिसने बी आंसर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका बी आंसर नहीं है उसको लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, अभी तुम्हारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ बचा है। सब ये पूछा है ना कि क्या क्या नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा ना, नहीं करेगा वाले सही कौन सा है सर, सही इसका आंसर है बी, मेरा सही है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन पता क्या है बच्चे को, कि ये पढ़ना भूल जाता है नॉट टू डू, सिर्फ एक्सपेंशन पढ़ के ऐसे कूदता है जैसे कि मतलब कि ऐसा नहीं होता कि कई महीनों से किसी लड़की के प्रपोजल का वेट कर रहे थे और वो बस ये बोल के गई है भैया आई लव यू। अब आगे वाला भैया तो सुना नहीं, आई लव यू सुन लिया ठीक है, और बिल्कुल बावला हो गया। बाद में कोई समझा के जाता है नॉट डू है भाई, यहाँ पे यहाँ भैया बोल के गई है, आउट ऑफ भैया बोल के गई है तेरे को आई लव यू, वो वाला आई लव यू नहीं है। तो कई बार यूपीएससी में नॉट टू डू नॉट ऐसा छुपा छुपा रहता है,
तो बड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ऐसा ना हो कि आप पेपर निकल के बाहर आओ और क्वेश्चन गलत हो। सो क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम जरूर लगाना चाहिए, दो चीजों पर जरूर ध्यान रखना। पेपर को पढ़ते वक्त बिल्कुल ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि आधा गेम तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर तो आंसर आपके सामने ही होता है, आपको सिर्फ आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। क्लैरिटी आप पर, चलो भट्ट सिंह को समझ में आ गई होगी, कह रहे हाँ सर एक बार मेरे साथ भी यही हुआ था। ये बताओ भाई इस क्वेश्चन का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 2019 के अंदर आया था पेपर में, बताओ इसका आंसर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, और ये यूपीएससी में पूछा गया है। आंसर दो भाई बच्चों, बट साहब ने आंसर दिया, भाई साहब कभी कभी तुम लोग ऐसे आंसर देते हो ना, सच बता रहा हूं, दुखी हो जाता हूं मैं तुम लोगों से, मतलब अचानक से स्तर गिर देते तुम लोग अपना। बताऊंगा अभी पता चलेगा, कर लो पहले। सभी ने क्वेश्चन सही से पढ़ा था, है ना? हाँ सर पढ़ा था, कोई ऐसा तो नहीं है जो ये कह दे कि सर मैंने भी क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। चलो क्या बोल रहा है बच्चों, जरा आंसर देख, क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट, कंपनी की एसेट में किसको काउंट नहीं करेंगे? जरा मेरी बात बताओ, तुम लोग डिपॉजिट को एसेट मानते हैं? एक बैंक के पास जो डिपॉजिट पड़ा है वो उसकी एसेट है? लायबिलिटी है सर। नहीं भट्ट साहब, आपने तो मनी एट कॉल को बताया है डी की जगह डी दब गया सर। अच्छा सही सही है, सही है। इसका सही आंसर क्या है? बी। क्या लगा रहे हो आंसर सबके सब बैठ के, देख रहे हो क्वेश्चन इजी और टफ नहीं होता है। हाँ राहुल कांग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है, क्वेश्चन इजी और टफ नहीं होता है, आपने कितना अंडरस्टैंड करा है सब्जेक्ट को ये मैटर करता है। समझ पा रहे हो बात को? इस बात में किसी को डाउट है क्या? कोई रेज योर हैंड इफ एनीवन हैव एनी डाउट, हाथ खड़ा करो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल। देखो कोई बेइज्जती कुछ भी मत महसूस करना, सिर्फ हाथ खड़ा करो कि सर मुझे डाउट है, कोई भी है अगर किसी को है तो। किसी को नहीं है, चलो अब नहीं है तो फिर नहीं होगा, आगे बढ़ते नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो चेयरमैन होता है उसे कौन सेलेक्ट करता है? ये भी 2019 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया अभिषेक, बट्स आर वेरी गुड। सही आंसर इसका क्या है? तो जिस जिस महान भूति ने आंसर दिया है, सी बालक, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो जो है वो क्या करता है आपका, वो क्या करता है आपका, बीबीबी क्या करता है आपका, पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को चुनता है, यानी एसबीआई का चेयरमैन हो गया आपका। किसी भी कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जो चेयरमैन चुना जाता है उसको चुनने के लिए जो जो आपका ब्यूरो है वो कौन सा है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्लैरिटी है? पहले इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करता था, बट आफ्टर 1969 के बाद, सॉरी 1971 के बाद इसको क्या कर दिया गया,
इस काम को आरबीआई को दे दिया गया और आरबीआई ने 1991 के बाद कमर्शियल बैंकों को खुद ही करने के लिए दे दिया गया। ठीक है, बता इसमें किसी को कोई डाउट है तो? ये तो फैक्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं समझने जैसा ही। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये एक टफ क्वेश्चन है, क्यों टफ क्वेश्चन है ये बता रहा हूं मैं आपको। टफ इसलिए क्योंकि डाटा ड्रिवन क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको कम से कम 5-6 साल के डाटा याद होने चाहिए, याददाश्त के ऊपर डिपेंड वाला क्वेश्चन है ये। बताओ जरा, मनोज जी गलत है आंसर, या फिर से तुमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। क्या बोल रहा है, लास्ट 5 ईयर की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है बच्चों, इंडिया। ये अगर मेरे सामने भी पेपर में क्वेश्चन आता ना तो मैं भी इसको गलत कर देता। क्यों? क्योंकि मुझे डाटा याद नहीं रहता, तो मुझे नहीं पता यार मैं इसको लिए कितना सही आंसर दे पाता। क्यों? क्योंकि ये क्या चाहिए आपको, इसके लिए कम से कम 5-6 सालों का आपको एग्रीकल्चर का डाटा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, जब भी आप जाके क्या दे पाओगे, आंसर कर पाओगे। और इतना याद किसी को होता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को टफ बोला गया था। ऐसे कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सारा का सारा किस चीज के ऊपर है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, ये बताओ क्या बोला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट RBI take to stop the slide of Indian rupees. हाँ, हिंदी में बता दे रहा हूँ, फिर से देखो। Which one of the following is not the most likely measure the government RBI take to stop the slide of Indian rupees? Indian rupees अगर नीचे गिर रही है तो उसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा वो तरीका है जो यूज नहीं किया जाता है मनी को नीचे गिरने में, नहीं किया जाता है मनी को नीचे गिरने में। जैसे मनी नीचे गिर रही है उसको रोकने के लिए कौन सा तरीका यूज नहीं होता है? बहुत बढ़िया भट्ट साहब, एक चीज बताऊं मैं आपको, इस बार तो गलत टाइप नहीं कर दिया ना आपने? नहीं सर। तो गलत है आंसर। क्या बोल रहा है बेटा, बोल क्या रहा है जरा बताओ आप लोग मुझे, क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई पैसा नीचे गिर रहा है। क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट समझो। पैसा क्या जा रहा है आपका, नीचे गिर रहा है। नीचे गिरते हुए पैसे में कौन सी चीज मदद नहीं करेगी? अरे भाई कौन सी चीज मदद नहीं करेगी? अरे एक्सपेंशन पॉलिसी अगर अपना लोगे तो मार्केट में पैसे का फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो पैसा तो और नीचे गिरता ही चला जाएगा ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। किस किसने डी आंसर दिया था, रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। अभिषेक ने, वेरी गुड अभिषेक। खुशी मिलती है ना वैसे जब आंसर सही होता है तो। कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है सर, कॉन्फिडेंस इसमें भी नहीं था वही, तो वो नहीं अच्छा। मैं बताता हूँ क्या होता है, आप समझो। कॉन्फिडेंस का रिलेशन क्या है पहले ये समझ लो। कॉन्फिडेंस का रिलेशन है कॉम्पिटेंसी से। कॉन्फिडेंस का रिलेशन किस चीज से है? तुमने कभी समुन्द्र में नहाया है अभिषेक? नहीं सर, देखा तक नहीं है। देखा नहीं है ना। अब मान लो कि हम तुमको हेलीकॉप्टर से ले जाएं और समुद्र में फेंक दें, या हेलीकॉप्टर के पास ले जाके समुद्र के पास रोक के बोले कि अभिषेक आर यू कॉन्फिडेंट, तुम क्या बोलोगे? सर जी ऐसा है, डायपर पहन के नहीं आए हैं, माफ कर दो, हमें घर छोड़ दो। 150 ज्यादा ले लो, 150 ज्यादा ले लो, उतार दो, छोड़ दो हम, है ना? वो सुना है ना पैरासूट वाला। Yes, sir. कॉन्फिडेंस का सारा सीन किस चीज से है? कॉम्पिटेंसी से। पर मान लो
तुम बहुत बड़े तैराक हो, तुमको का टेंशन है, कहीं भी छोड़ दो, बोलो हम तैर के आ जाएंगे, यस और नो? तैरना नहीं आता है तो बाल्टी में भी डूब जाओगे, और तैरना आता है तो समुन्दर से भी बच के निकल लोगे। तो कॉन्फिडेंस का लेना देना है नॉलेज से, और नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे अभिषेक मान लो कि अभी तुमसे कोई पूछ दे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम ये कह सकते हो कि घर में जो बंदा रहता है लगता तो पापा जैसा है पर कॉन्फिडेंस नहीं है साथी, ऐसा नहीं होगा भाई, कोई नहीं करेगा। मेरे पापा के बारे में पूछेगा मैं बता दूंगा क्या भाई उनका नाम जो भी है, ठीक है, क्योंकि मैं उस आदमी से वाकिफ हूँ, जानता हूँ उस आदमी को, उसके साथ रह रहा हूँ, मेरी मम्मी ने बताया कि यही आदमी आपका पिता है, ठीक है। और अगर मुझे नहीं पता है तो कॉन्फिडेंस का क्या करना है, क्लैरिटी है, झूठा कॉन्फिडेंस लेके भी नहीं चलना है भैया आपको कॉन्फिडेंस। हाँ एक चीज और होती है, दूसरा बच्चा वो होता है जिसको पता भी है पर वो कई बार क्या हो जाता है थोड़ा सा घबरा जाता है, और वो घबराहट निकलेगी कब, जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे, ज्यादा से ज्यादा पेपर दोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे, घबराहट अपने आप ही धीरे धीरे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। क्लैरिटी यहाँ पे सभी को, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछो। सर ये मसाला बॉन्ड क्या होता है? बहुत बढ़िया, मसाला बॉन्ड जो होता है बेसिकली वर्ड जो था ना ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर है, ठीक है। मसाला बॉन्ड बेसिकली क्या होता था कि ट्रेडिंग के टाइम पर यूज किया जाता था इसे, अब ये यूज होता है हर चीज के बॉन्ड के लिए भी। गवर्नमेंट जो बॉन्ड क्या करती है इशू करती है उसको बोलते हैं बॉन्ड का ही एक टाइप है, ठीक है। पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर यूज हो रहा था तो वही चल रहा है अभी तक। और किसी को डाउट? आगे देखो ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता रहा हूं कोई भी दे देगा, सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो एक बार, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड, गुड भट्ट साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनोज, बहुत बढ़िया राहुल, देखो बच्चों आप लोगों ने सुना भी होगा ना इसका, तो आंसर मैं क्यों बोल रहा हूँ टफ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी तो होगा ना कि इंडिया जो है वो सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है, परचेजिंग पावर के मामले में कितने नंबर पे है, थर्ड। हाँ तो बात ही खत्म हो गई, लो हमें इसे पढ़ना ही नहीं है, तो ये नहीं है तो ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है और ना ये आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा, खत्म बात, बात समझ में आ गई? यस, क्योंकि इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है, जाहिर सी बात है ना कि अब आपके पास क्लियर पता है ना, इसे बोलते हैं अच्छा जब परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पार्टी जो है, एक्सचेंज रेट जो है वो कैलकुलेट करती है बेसिक प्राइस की बास्केट को डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग, कि बेसिकली परचेजिंग पावर ये दिखाने की कोशिश करती है कि एक कंट्री कितना क्या कर पा रही है, खरीदने की कैपेसिटी रखती है, कितना कोई कंट्री क्या करती है खरीदने की क्षमता रखती है, उसको दिखाने का काम करती है परचेजिंग पावर। क्लियर बात यहाँ पे बच्चों, कोई डाउट इसमें किसी को? आगे देखो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए फॉर्म करे थे आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे पहले तो बताओ किस किस बच्चे के दिमाग में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड और पूछो, पहले तो पूछ लो किसी के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन जो चल रहा है इकोनॉमिक को लेकर के, अपने हाथ खड़े करो और पूछो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, सर कैसे होगा, कुछ भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि भैया आगे अब आप लोग मेरे साथ ही हो। हाँ राहुल जी बोलो, इस बार एग्जाम में सर क्या-क्या आने वाला है? एग्जाम के अंदर आने वाला है एग्जाम का सिलेबस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड,
इकोनॉमिक्स का सिलेबस। हाँ अभिषेक जी पूछो। सर लगभग कितने दिनों में मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो जाएगा लगभग, देखो किसी भी यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट 100 आवर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है? 100 आवर इज द मैक्सिमम टाइम जो अलॉट होना चाहिए, क्योंकि एक महीने से ज्यादा कोई भी सिलेबस अगर चलता है, मतलब 100 आवर्स अगर चलता है उससे ऊपर, तो फिर टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? क्लियर है बात? तो कितना टाइम जाएगा वो देखना पड़ेगा। हाँ भट्ट साहब। सर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स को लेके? इकोनॉमिक्स को लेके आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो जरा, वेयर इज द पेपर, कहाँ है ये पेन, कहाँ चला गया? देखो जरा यहाँ पे, जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है वो सुन लो भाई, आपको पता नहीं कितने लोग ये बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए आपके पास, आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हों आपके। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे अच्छे होंगे? आप एक तो पूरी क्लास कंप्लीट कर लो मेरी, यहां से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लास के साथ साथ आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, कौन सी क्लास की? 11th और 12th की। बस एक काम तो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे। दूसरा इसके साथ आपको इकोनॉमी सर्वे, उसके साथ आपको बजट, इसके साथ आपको करंट अफेयर को ध्यान में रखना है। आप कॉर्नर्स के अंदर से एक सिंगल क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये सारा काम मैं आपके लिए भी करूंगा। आपको क्या करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाए, जो भी चीज बताई जाए, जो भी होमवर्क दिया जाए, उसको चेक करते रहो क्या भाई आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। एक काम तो ये कर सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो कि उसके बेस पर जिस भी लेवल का जिस भी लेवल का क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, वहां देखो एमसीक्यू सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे। और तीसरी जो चीज आप कर सकते हो वो ये है कि आप करंट अफेयर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, आप मैगजीन से पढ़ते भी रहो, किसी के इंस्टीट्यूट या किसी टीचर के पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत बैठो, पढ़ते भी रहो कि हाँ मतलब कि करंट अफेयर का सेक्शन, जैसे आप किसी मैगजीन को उठाओगे तो उसके अंदर देखना कि उन्होंने सेक्शन वाइज बांट रखा होगा कि इकोनॉमी ये रही। तो जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पहले बेसिक क्लियर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट कितने टाइम में क्लियर कर दोगे? सर आप हमारा आज आपका वेनेसडे है और सैटरडे तक आपको इकोनॉमिक्स के न्यूज़पेपर सेक्शन बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लगेगा। आप इकोनॉमिक्स उठाओगे, आपको सारे टर्म्स में क्लियर कर दूंगा, सारे के सारे टर्म्स कि हाँ भाई ये इकोनॉमी के अंदर टर्म्स होते हैं। अब उसके बाद आप न्यूज पेपर उठाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि अरे यार पता नहीं कहाँ से क्या पूछ रहा है। क्लियर एकदम? जी सर। भट्ट साहब किसने पूछा था क्वेश्चन? भट्ट साहब ने पूछा था। यस सर। क्लियरिटी है? जी सर। अच्छा हाँ मनोज जी पूछिए। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो एक बुक आती है गवर्नमेंट की India@75 करके जो आती है, उसका कोई रिलेवेंट है कि नहीं है इसके अंदर, कोई उसका यूज है कि नहीं है? देखो क्या है, पहला आपकी इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सेलेक्टिव, अभी बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सेलेक्टिव आपके सिलेबस में वर्ड लिखे हुए हैं, उस वर्ड से रिलेटेड अगर वहां पे कुछ है तो एक बार देख लो, अगर नहीं है छोड़ो आगे बढ़ो। हाँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा ये है सर, जो जैसे एग्रीकल्चर पे जो पहुंचेंगे तो उसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे मेंस के रिगार्डिंग से, तो वो क्या आप प्रोवाइड करवाएंगे कि हमें आप बोलेंगे लिखना पड़ेगा, वो कैसे उसको मैनेज करेंगे? लॉन्ग वो एक तरह से एग्रीकल्चर पूरा वो होगा तो वो लिखना थोड़ा बहुत याद करने के लिए लिखना ही पड़ेगा ना सर। सुनो मेरी बात, कभी भी दो तरीके से पेपर लिखा जाता है यूपीएससी के अंदर, एक पॉइंट्स में और एक पैराग्राफ में, ठीक है? एक पॉइंट्स में एक पैराग्राफ में। नोट्स जब भी बनाओ ना तो किसमें बनाओ? पॉइंट्स में। आपके पास नोट्स जो बनेंगे वो पॉइंट्स में बनेंगे। जितनी बातें आपको यहाँ पे समझाई जा रही हैं वो सारे ही कलेक्टिव पॉइंट्स आपके मेंस के अंदर आपको काम करेंगे। लिखने की कला आप एनसीईआरटी की इंडियन डेवलपमेंट वाली बुक जो होती है उसको दो बार पढ़ लो, आप योजना और गुरुक्षेत्र को पढ़ लो, उसके अंदर जो एडिटोरियल सेक्टर आता है वहां से आपको लिखने का तरीका पता चलेगा। दो क्वेश्चन लिखोगे, तीन क्वेश्चन लिखोगे, लिखने की टेंशन अभी नहीं लेनी है,
कम से कम 6-7 महीने अभी कोई लिखने की जोड़ दिमाग पे जोड़ नहीं डालना है, अभी सिर्फ किस चीज पर दिमाग देना है, अंडरस्टैंडिंग। लिखने वाला पोर्शन आप अपने आप ही कर लोगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो। हाँ बोलो मनोज जी, क्लियर? जी सर, ओके। किसी और को कोई डाउट भाई, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। चलो हाँ बोलो अभिषेक जी। तो और कोई बुक भी खरीदनी है फिर एनसीईआरटी इज सफिशिएंट? देखो आपका, फिर मैं आपसे ये बोलूंगा, आप अपने स्तर को जानो, ठीक है? मैं तो आपको फिर बता रहा हूँ, मैं तो आपको कम से कम भी, मैं इकोनॉमिक्स की लगभग 12-15 बुक्स पढ़ता हूँ, मैं तो नहीं कहूंगा 12-15 पढ़ लो, ठीक है? इकोनॉमिक्स का कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी कुछ पढ़ाता है वो सब मेरे घर में अवेलेबल है, वो सारा पढ़ता हूँ मैं। क्यों पढ़ता हूँ भाई, मेरे को तो ये है ना कि मेरे बच्चों के क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, मेरा एफर्ट तो यही रहेगा ना आप लोगों के लिए कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, आप, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, योजना गुरुक्षेत्र पढ़ो। आप न्यूज़पेपर में जब भी इकोनॉमी वाला सेक्शन आए उसको एक बार देख लो, आप क्या करते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्या हो रहा है, कोई डिबेट चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका द बिग पिक्चर में डिबेट आती है, मौका मिले टाइम मिले तो उसे देख लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ऊपर वाला माला खोलो। पीएचडी मत करो कि बुक ले आए पढ़ ली छोड़ दी, पता चला ही नहीं कुछ। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि जब भी आपसे कोई पूछे कि आने वाले 5 सालों में अगर रिसेशन आता है तो 5 ऐसी कौन सी चीजें हमें ऑप्ट करनी चाहिए कि हम रिसेशन से अपने आप को क्या कर पाए, बचा पाए। क्या आप इतना सोच पा रहे हो? अगर कह रहे हो हाँ सर इतना सोच पा रहा हूं, आप ट्रैक पे हो, आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता और लिखने की कला और सीख लो बस। पर आप कह रहे हो रिसेशन आ रहा है, कल आएगा क्या? हाँ रिसेशन का मतलब तो पता है, ये मतलब तो भैया एसएससी के बालक को भी पता है, आपको क्यों आईएएस बना दे फिर? बात समझ में आ रही है अभिषेक? तो अंडरस्टैंडिंग पर काम करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग, देखो नॉलेज मैं दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। इसी क्लास में बैठ के कोई बच्चा 20 में से 18 क्वेश्चन भी करके आएगा, इसी क्लास में से कोई बच्चा 20 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं करके आएगा, तो आप मुझे बताओ इसमें गलती किसकी है, मेरी या बच्चे की? बोलो किसकी गलती है? दोनों की है सर, बच्चे की ज्यादा है। नहीं, इसमें जो गलती है वो है सिर्फ और सिर्फ बच्चे की, और बच्चे की भी गलती नहीं कह सकते हैं, बस ये है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना ज्यादा भी नहीं है। याद समझ लो, आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, आप बहुत अच्छे भी हो पढ़ने में। देखो मैं स्पून फीडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं कभी तुमको ये नहीं बोलूंगा कि क्लास के नोट्स पढ़ के चले जाओ या चूरन चाट के चले जाओ, इसी से हो जाएगा। मैं बार बार आपसे बोलूंगा पढ़ो, अपने आप को बेहतर करो, क्षेत्र योजना जरूर हो, वहां पर जो लोग हैं, जो एडवाइस देने वाले लोग हैं, दे आर द पॉलिसी मेकर्स, तो वो क्या सोच रहे हैं वो भी आपको पता चलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात अभिषेक बेटा? और जितना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अभिषेक, आपके क्वेश्चन उतने ही ज्यादा क्या होंगे, आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कहाँ डेवलप करनी है। पहला काम तो बेसिक अच्छा करना है ना, उसके ऊपर ही तो क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। अब जैसे मान लो आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? अगर मैं आपसे बोल दूं कि अकबर और किसके बीच, आप क्या नाम है, क्या नाम है इसका, बाबर, या फिर मैं आपसे बोल दूं अकबर और औरंगजेब के बीच में आप 5 सिमिलैरिटीज बता दीजिए या 5 डिफरेंसेस बता दीजिए, तो ये काम आपकी अंडरस्टैंडिंग ने करा है, आपकी अपनी बुद्धि के विकास ने करा है। और यही एक टीचर का काम होता है कि बच्चे की क्या डेवलप करे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों के साथ रट्टाफिकेशन करवाते हैं, ई वाला पढ़ लो इसी से हो जाएगा, काहे हो जाएगा भैया, समझ भी लो ढंग से अच्छे से। क्लियर है बात यहाँ पे अभिषेक बेटा? आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया अभिषेक? कोई डाउट इसमें अभिषेक आपको?
अभिषेक कह रहा है सर मैं खाना खाते खाते ले रहा हूँ क्लास, अचानक से माइक से दूर हो गया अभिषेक। हाँ जी, और किसी को डाउट बच्चों पूछो प्लीज। चलें, अब देखो जरा, अब आ जाओ सिलेबस पे। तो देखो भैया, सिलेबस लिखने वालों ने भी क्या मजाक करा है, ये है प्री का सिलेबस, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का बता रहा हूँ सिर्फ, ये लिख दिया इन्होंने। क्या क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो वर्ड बहुत क्लियरली क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ड क्या लिखा हुआ है? पॉवर्टी। वर्ड क्या लिखा हुआ है? इंक्लूजन। वर्ड क्या लिखा हुआ है? डेमोग्राफिक। वर्ड क्या लिखा हुआ है? सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। अगर ऐसा कोई भी वर्ड न्यूज़पेपर में दिख रहा हो कि सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट से कुछ हो रहा है, तो आपको तुरंत आपकी आंखें कैच करनी चाहिए, आपको उसको पढ़ना चाहिए। डेमोग्राफिक से कुछ हो रहा है तो आपको तुरंत उसके बारे में पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब मान लो गरीबी को दूर करने के लिए कोई क्या लेकर के आ रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जैसे आपको पता है किस चीज के ऊपर जोर दिया जा रहा है अभी, ISA के ऊपर। पता है ना ISA क्या होता है? क्या होता है भाई अभिषेक? अभिषेक ISA क्या होता है बेटा? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। अभिषेक कहाँ पर है? खाना खाने गया हुआ सर। नहीं, खाना नहीं खा रहा सर, रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई तो बताओ तो सही, मैं यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि मैं सोच रहा था। हाँ भट साहब बताओ ऐसा है। एफर्ट जो लगाया जाता है। मैं पूछा हूँ ISA क्या है? अच्छे से नहीं मालूम सर। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाँ देव, हाँ देव, देवेंद्री, देवेंद्री, हाँ जी देवेंद्री, सर यही है, यही पढ़ा था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। और सर ये न्यूज में आया था सर, 2025 तक 100 मेगावाट का सोलर वो रिन्यूएबल एनर्जी लगाना है, और 2030 नहीं सर, कल या परसों हिंदू में आया था तो वही पढ़ा था, तो वो ISA का मतलब नहीं पता था, लेकिन गूगल नहीं किया, ये चीज पता थी। बिल्कुल समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको किस बात पे ध्यान रखना है? जी मेरी बात समझ में आ रही है? सोशल डेवलपमेंट में कैसी चीजें आती हैं आपकी, जैसे सुकन्या योजना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे क्या कहते हैं आकांक्षा योजना, जैसे आपका क्या कहते हैं किसान योजना, सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा प्लीज बताओ? आर्थिक और सामाजिक विकास में क्या अंतर होता है, बताओ भाई। मैं ट्राई करता हूँ सर। आर्थिक विकास अगर देखा, आर्थिक विकास देखा जाए तो जीडीपी में इंक्रीज जो होता है आपका, वो आर्थिक विकास, अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है तो वो एक आर्थिक विकास की तरफ हम अग्रसर होंगे। लेकिन अगर हम देखें सामाजिक विकास में, तो अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन हमारे अंदर समाज में खुशहाली नहीं है, लोग उससे खुश नहीं है जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वो एक तरह सा मतलब के सामाजिक विकास की ओर नहीं अग्रसर माना जाएगा। कि अगर इनकम एक तरफ बढ़ रही है लेकिन लोग खुश ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एक तरह सा हम उसको विकास नहीं मानेंगे। ओके गुड। हाँ भट साहब बोलिए सर। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द सेंस कि लोगों के पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट करना, और सोशल डेवलपमेंट की मतलब कि जो HDI वाले जो इंडेक्सेस आते हैं हेल्थ के सेक्टर में, उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहना, एजुकेशन सिस्टम, प्रॉपर सैनिटेशन मिलना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेशियो है उसमें इंक्रीमेंट करना, तो ये हो गया सोशल डेवलपमेंट। और कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? हैप्पीनेस भी सर साथ में उसमें। हाँ, happiness is definitely a thing. और कोई देखो जरा। अभिषेक बोलो। बस सोशल वाले में जोड़ना था कि equal opportunity among equal। Definitely
इनइक्वालिटी को कम करना। सर नॉर्मल वर्ड्स में एक बार बोलें क्या, ट्राई करें? नॉर्मल सी बोलने हैं, यूपीएससी नॉर्मल वर्ड्स ही चाहता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास का मतलब ये हो जाएगा कि उनके जीवन स्तर जो लेवल है उसको हम धीरे धीरे ऊंचा उठाएं, और ये जो सोशल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास का ही एक पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर उनको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो डेफिनेटली उनकी आवश्यकता बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और सोशल डेवलपमेंट मतलब उनको अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा हो, खुशहाली हो, ये सारी चीज आनी चाहिए, स्वास्थ्य हो, मतलब सामाजिक, समाज का विकास करना है, उसमें हमको कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है कि जैसे जो निम्न तबके के लोग हैं वो फ्री में उनका इलाज हो जाए, ऐसी सारी चीजें। और इकोनॉमिक्स में जहाँ उनको पैसा मिले, रोजगार मिले, जिससे उनका जीवन स्तर वो ऊंचा उठा सके, वो आनी चाहिए। अच्छा, अगर राफेल परचेज करके आ रहे हैं हम लोग, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि सोशल डेवलपमेंट हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा है भट साहब ने, एक ही बार में खारिज करा नहीं, सब कुछ नहीं हो रहा है, बताओ क्या करना है? डिफेंस स्ट्रांग हो रही है सर, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखा जाए तो अच्छा है। सोशल कह सकते हैं सर, सिक्योरिटी, सबको सिक्योरिटी मिल रही है। अभिषेक ने आंसर दिया है। यार भट साहब एक चीज बताओ मैं आपको, एक बात जिंदगी में याद रखना, एकदम एक्सट्रीम आंसर नहीं देना चाहिए कभी भी, ठीक है? ये पेपर में याद रखना, किसी चीज को बिल्कुल खारिज मत करो, ठीक है? हाँ, और कोई? देखो बेसिकली क्या है ना, भट्ट साहब की बात बिल्कुल सही थी, ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है ना ही सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। इसको हम कंसीडर करेंगे किस चीज के अंदर बच्चों? ग्रोथ के अंदर। किसके अंदर कंसीडर करेंगे? ग्रोथ के अंदर। क्योंकि सोशल डेवलपमेंट जब कहलाता, जब राफेल की चाबी किसी बिहार के बच्चे के हाथ में आ जाती और बोलता कि मोदी अंकल जी जरा अच्छा ला के दिखाओ। हाँ, ग्रोथ में किस पॉइंट से, कि सिक्योरिटी पर्पसेस अच्छा करेगा तो हमारे पास ट्रेडिंग अच्छी होगी, ट्रेडिंग अच्छी होगी तो हमारी इनस्टेबिलिटी खत्म होगी, और इनस्टेबिलिटी खत्म होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास व्यापार करने के लिए आएंगे, ठीक है? अच्छा एक और बताओ, एक और क्वेश्चन का, एक और पॉइंट का आंसर दो। मनरेगा चला दिया गया, सोशल डेवलपमेंट है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है? दोनों ही कहते सोशल सर, सोशल भी इकोनॉमी दोनों भी है। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए ना तुम लोग? अब yes, तुम्हें पता चल रहा है न्यूज़पेपर में क्या ढूंढना है तुमको? यस सर। जी सर। अच्छा जनधन योजना किस में आएगी? ये भी दोनों फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सोशल। अच्छा माइग्रेट, जो माइग्रेट करते हैं वर्कर्स, ठीक है, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, इसको किस हेड में रखोगे? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिक्स में रखेंगे, सोशल में सर, सोशल में, सोशल में भी रहेगा, इकोनॉमिकल में भी रहेगा। अगर वो आपका क्या करेंगे, इसे डेमोग्राफिक में भी रखेंगे, हम अपनी डेमोग्राफी को बचा रहे हैं, जहाँ पे ड्रेन ऑफ गुड ब्रेन जो होता है वो होने से हम रोकेंगे, हम उन्हें अच्छा ट्रेन करेंगे और वहीं पे क्या करेंगे, उनको काम देंगे। अच्छा हाँ भट्ट साहब बोलिए। सर अगर कहीं पे भी एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिकली हम लोग उसे इनहेंस करते हैं तो सर जाहिर सी बात है कि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उसके सोशल लाइफ पे ही पड़ेगा। अगर उसके पास अच्छा इनकम आ रहा है तो वो अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज को अटेन कर सकता है, एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप अगर आप जो भी स्कीम बताइएगा फाइनेंस से रिलेटेड तो उसका इम्पैक्ट तो दोनों पे पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि, पर मैं बताता हूँ किसका इम्पैक्ट सिर्फ सोशली पड़ेगा, इकोनॉमिकली नहीं पड़ेगा। जैसे एजुकेशन के लिए, जैसे सर एजुकेशन से रिलेटेड कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ एक और अच्छी स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन, अटल पेंशन, सोशल डेवलपमेंट पे काम करेगी, इकोनॉमिकली कोई डेवलपमेंट नहीं करेगी। एजुकेशन सोशली डेवलप करती है शॉर्ट टर्म के लिए, इकोनॉमिकली डेवलप करती है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि व्हेनेवर यू पुट द मनी ऑन द सोशल डेवलपमेंट इट विल गिव द इफेक्ट इन द लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकली। जितने ज्यादा आपको टेक्नोलॉजिकली इनहेंस किया जाएगा आज, आप सोशली अच्छे हो जाओगे, अब जब सोशली अच्छे हो जाओगे तो इकोनॉमिकली अपने आप ही क्या करने लगोगे, डेवलप होने लगोगे। हाँ अभिषेक बोलो, कुछ बोल लेते आप? नहीं सर, सबसे पहले पुराना। कोई बात नहीं, पुराना हाथ खड़ा रह गया सर। क्लियर है बात यहाँ तक? बट सब क्लियरिटी आई जी सर।
अच्छा ये था बच्चों प्री में, देख रहे हो कितना सा सिलेबस लिख रखा है इन्होंने, बात समझ में आ रही है? अब देखो मेंस का सिलेबस देखो, एक एक लाइन सिलेबस समझ लो। आज मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न और मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ। सैटरडे तक आपका इकोनॉमिक्स का सारा बेसिक समझ जाएगा और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अपनी इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर जोड़ते हुए, इकोनॉमी सर्वे जोड़ते हुए, बजट जोड़ते हुए और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आपको सैटरडे को पूरी की पूरी टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी कि हम कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे कवर करेंगे, ठीक है? आज यहाँ पे सिलेबस देखो, ये मेंस का सिलेबस है। यहाँ सभी बच्चे यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं ना, यूपीपीसीएस के बच्चे कितने हैं जो सिर्फ यूपीपीसीएस तैयार कर रहे हैं? अभिषेक सिर्फ यूपीपीसीएस तैयार कर रहे हैं जो, तो जो यूपीपीसीएस तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो जिंदगी और आसान, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेंस का पेपर थोड़ा सा आसान आता है। और कितने बच्चे ऐसे जो मम्मी कसम खा के बैठे कि सिर्फ यूपीएससी ही देंगे और कोई नहीं देंगे पेपर? रीजन राहुल जी बोल दिए सर। हाँ, खाली यूपीएससी। देवेंद्र जी कह रही हैं। अच्छा कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने पहले भी एक आधा अटेम्प्ट दिया, रेज योर हैंड। कोई अटेम्प्ट दिया है? मनोज, मनोज प्री रह गया था या मेंस रह गया था? सर प्री रह गया था क्योंकि ऐसे ही दे गया था, देखने सर मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए थे उसमें, 40 क्वेश्चन मेरे लगाए। वेरी गुड। हाँ अभिषेक आप? दो अटेम्प्ट दिए हैं सर यूपीएससी का। प्री निकला है दोनों में से किसी में? नहीं सर अभी नहीं। कोई दिक्कत, इस बार निकल जाएगा। मैं सब्जेक्ट्स की आप लोगों को सिर्फ एक गारंटी दे सकता हूँ, और देखो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, यू कैन रिकॉर्ड इट, ठीक है ना? इस वर्ड की वैल्यू सिर्फ इतना रहा हूँ मैं आपको कि मैं आपके सब्जेक्ट को ऐसा कर दूंगा कि आप पेपर के अंदर 80-85% मेरे सब्जेक्ट के अंदर आप क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट करके आ जाओगे सही, अगर आपने रायता फैला के नहीं आए थे खुद, ठीक है? खुद फैलाया रायता तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बाद बाकी 15% मुझे ही नहीं पता चलता कहां से आता, तो मैं तुम्हें क्या बता दूंगा, ठीक है? तो भाई ये मार्जिन रख के चलना पड़ता है ना, क्लियरिटी है? यस सर। तो इसलिए अगर आप लोग, हाँ अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर, मैं जितनी इकोनॉमिक्स जानता हूँ, वैसे तो मैं बहुत कम जानता हूँ, पर जितनी भी मैं जानता हूँ उतनी इकोनॉमिक्स से आपका इकोनॉमिक्स के सेक्शन में एक सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर आपने सही से अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप किया तो। और मैं अंडरस्टैंडिंग की जब भी बार बार एक ही वर्ड क्यों यूज करो, अंडरस्टैंडिंग, जहां डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो हाथ खड़ा करो, बोलो सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। अगर आप बने रहे देवर और सॉरी वो क्या रिश्ता होता है, जेठ और कौन होता है, एक और होता है ना रिलेशन जेठ के साथ, वो फीमेल होती है, वो कौन होती है? अबू। हाँ बहू। हाँ बहू और जेठ वाला रिश्ता बना के रखा है, कैसे जेठ जी से बोले, शर्म आ रही है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, पहले बता दे रहा हूं मैं सभी को, ठीक है? मुझे जितनी शब्दों में क्लियरिटी लाके दोगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऑल आर अपकमिंग आईएएस ऑफिसर, तो आप अपनी बात कहते वक्त हेजिटेशन नहीं होगी, आप बोलोगे कि सर ये बात समझ में नहीं, फिर से समझा दीजिए, बस इतनी सी बात, ये सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर समझा दीजिए, ठीक है? बस इतना सा और कुछ नहीं, मैं आपको बार नहीं सौ बार समझाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा आगे ही नहीं बढ़ेंगे। भैया तुम लोगों ने सबने अपने घर से अलग अलग फीस दी है, तुम लोगों की सबके अलग अलग लेवल है पढ़ने का, अलग अलग घर की परिवार की स्थिति है, अलग अलग तरीके से जीवन जीते हो, तो किसी के कहने पर जबरदस्ती है तुझे बजट समझ में नहीं आया, तू कितना बेवकूफ है, बोला तेरे आ गया निकाल लियो प्री, ठीक है? तो ऐसे लोगों से दूर रहे, अपने लेवल समझे, जब समझ में आ जाए जब भी मुंडी बढ़ा के आगे बढ़े, किसी और के कहने पर पीयर प्रेशर में आके हाँ ना भरे,
क्लियरिटी है सभी को यहाँ पे? अब देखो, अब यहाँ पर देखो जरा। सो पहली चीज क्या है भाई, सबसे पहले एक एक वर्ड और ये सुन लो भैया, इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, इसको दीवार पे चिपका लेना, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का नंबर भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस की लाइन याद होनी चाहिए, अगर सिलेबस याद नहीं हुआ और मैंने सिलेबस पूछ दिया तो ध्यान रखना फिर उस दिन सुनोगे डांट, ठीक है। सिलेबस रटा होना चाहिए, एकमात्र ऐसी चीज है जो मैं बोल रहा हूँ रट लो, और वो है सिलेबस। एक सिलेबस, और दूसरी एक चीज आती है प्रीवियस ईयर बुक आती है, वो दोनों आपके टेबल पे होनी चाहिए। सिलेबस और प्रीवियस ईयर ही बताएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्लियरिटी यहाँ पे सभी को? जी सर। अब तुम कह रहे हो बिल्कुल ऐसा मत करना कि जैसे पहले शादी होती थी, शादी तय कर दी गई और लड़के को लड़की और लड़की ने लड़का एक बच्चे होने के बाद ही देखा कि पहला अटेम्प्ट निकल गया, यही नहीं पता सिलेबस क्या है। हाँ मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूँ, लोगों के तीन तीन अटेम्प्ट निकल जाते हैं, उनसे सिलेबस पूछो क्या उन्हें पता ही नहीं है, वो कोई बाबा की जड़ी बूटी लेके बैठे हुए हैं, वो हकीम से मिल रहे हैं किसी, जबकि हर बंदा हर दूसरा बंदा जो भी यूपीएससी को अच्छे से पढ़ाता हो या पढ़ता हो वो यही कहता है कि भैया सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर आपकी टेबल पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या पूछेगा यूपीएससी। कोई जादुई चमत्कारी पेपर नहीं है, आपको पता है कॉम्पिटिशन क्या है यूपीएससी के अंदर, रियालिटी बताऊ कुछ भी नहीं। 16,000 बच्चे क्या निकालते हैं, प्री निकालते हैं, देख लो जरा ये भी डाटा, कितने बच्चे पेपर निकालते हैं, 16,000 बच्चे क्या निकाल रहे प्री, और सीट मान लो कितनी है 1,000, तो बताना भैया एक सीट पे कितने बच्चों की कंपटीशन चल रहा है, 16। इससे ज्यादा कंपटीशन तो शादी के रिश्ते में होता है, और जितने बैचलर बैठे हैं ना उन्हें पता है, और अगर इंजीनियरिंग करके आए तो उनको और पता होगा कि इससे ज्यादा कंपटीशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में है। सब में आपका प्री निकल गया तो आप समझ लो कि आप 90% आपके चांसेस है कि आप क्या बनोगे, आईएएस बनोगे अगर आपने सही से पढ़ाई करी है तो, और अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो कहानी कुछ इस तरीके की पहुंच जाती है। कितना 3:1, तो बताओ कंपटीशन है कहाँ, दिख रहा है कहीं कंपटीशन किसी को, प्री पे नहीं, कहीं कंपटीशन नहीं है, अच्छे बच्चे का कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपने ढंग से पढ़ाई करी आपका पेपर होगा, आप ढंग से पढ़ोगे नहीं पेपर अभी का कभी नहीं होगा, सिर्फ ढंग से पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, सोचना है, किताब को देखना है। और अगर मान लो आपने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे दिए और नहीं हुआ, तब भी ये बात ध्यान रखना जो तुम लोग आज हो, ठीक है भाई, वो तुम लोग 3 साल बाद यूपीएससी की तैयारी करने के 3 साल बाद नहीं होगे, आज से बहुत बेहतर होगे। शादी ब्याह में जाओगे ना अलग से जाओगे, गाइस वेरी इंटेलेक्चुअल, आपकी बात करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, जैसे शादी करने के बाद आदमी के बोलने का तरीका बदल जाता है, शादी से पहले वो एकदम होता है लड़ाकू टाइप का, शादी के बाद बोलता है हाँ हाँ सब ठीक है, गंभीरता आ जाती है ना बंदे में, यूपीएससी भी यही कर देता है, आपको गंभीर बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, बेहतर बनाएगा, खराब नहीं बनेगा। करी है तैयारी, अगर तैयारी नहीं करी है तो जैसे वैसे आज हो ऐसे 5 साल बाद हो। ठीक, अब देख लो जरा सिलेबस के एक एक लाइन को समझ, पहली लाइन क्या बोलती है भैया, बोल इंडियन इकोनॉमी, एक बात ध्यान रखना इकोनॉमिक्स कोई सिलेबस नहीं आपके, आपका इकोनॉमी सिलेबस है, और इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, एक क्वेश्चन प्लानिंग से जरूर मिलता है, ठीक है, प्लानिंग
मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या कहना चाहता है कि जो रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। जैसे मान लो गवर्नमेंट कह रही है कि पानी सबको घर घर पहुंचे, तो ये क्या कहलाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगा। जैसे आपकी एलपीजी, एलपीजी से रिलेटेड कौन सी सबसे बड़ी योजना है बताओ भाई जरा, एलपीजी से रिलेटेड कौन सी सबसे बड़ी योजना है, उज्ज्वला। उज्ज्वला, तो उज्ज्वला किस चीज से रिलेट कर रही है, आपका इशू देख लिया उसने, उसने इशू क्या देखा कि भाई आपका क्या हो रहा है, फीमेल्स को टी हो रही है, बच्चों को क्या हो रहा है, बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है, ये इशू था। और इसकी सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लेकर के आए, उज्ज्वला योजना। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को देना, ग्रोथ ग्रोथ मतलब जब भी होता है तो याद रखना परसेंटेज बात हो रही है, डेवलपमेंट का मतलब एचडीआई वाली बात हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जैसे अभी क्या हुआ है कि लगभग 26% अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, सेक्टर्स बंद हो गए हैं, अब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट रही है पर आपको बताओ क्या कर रहा है गवर्नमेंट, ने क्या कर रही है। आपको मैंने बताया था कि एनआईपी याद है, बताया था ना आपको एनआईपी क्या, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, ये क्या कहलाती है आपकी एनआईपी। अब एनआईपी के थ्रू क्या कर रही है गवर्नमेंट, टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट करेगी लगभग 1,00,000 करोड़ का, और टेक्सटाइल में अगले 3 सालों में कम से कम कुछ भी नहीं तो 3 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, ये बात कर रही है। बात समझ में आ रही है बात, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पढ़ना है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है कौन बताएगा मुझे, हाँ भाई इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, बोलो जो मार्क में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभिषेक बोलो, सोसाइटी के हर सेक्टर को ग्रोथ प्रोवाइड कराना। और कोई सर मैं बताऊं, हाँ हाँ बिल्कुल, कौन बोला सर, देवेंद्र, हाँ बोलिए सर। मुझे लगता है कि रोजगार पैदा करना और गरीबी को कम करना, ग्रोथ तो है बेटा, ये तो ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट भी हो गई, पर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। हाँ राहुल जी, उत्तर उत्तर सर समृद्धि जो भी होती है इकोनॉमी का, रिसोर्सेज जो भी, कुल मिला के कह सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब कि बाहरी डिपेंडेंसी को क्या करना है, खत्म करना है, अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, इसे क्या बोलेंगे आप, इंक्लूसिव ग्रोथ। अपने आप में क्या होना, सक्षम होना। आप कोई टारगेट रखोगे तो उससे रिलेटेड क्या है, आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उस प्रॉब्लम्स को भी देखना है। गवर्नमेंट बजटिंग देखो एकदम अलग से दे रहे हैं, ये देख रहे हो एक अलग से, ठीक है इंपॉर्टेंट भी है याद रखना, इसके ऊपर पूरी अलग से क्लास। बजट के ऊपर कम से कम कुछ भी नहीं तो 20 मार्क्स लो बजट आपको, ठीक है। हाँ अब बोलो सर, बजट तो फरवरी में आएगा, तब तक आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, को बजट का पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और जब बजट आएगा तो फिर आपकी क्लास ली जाएगी उस बजट को एक्सप्लेन करने के लिए, 4 घंटे की 6 घंटे की जो भी क्लास जाएंगी। और कुछ, क्लासेस ही खत्म होंगी, मैं रहूंगा, ठीक है, थोड़ी ना चाहूंगा। चलो सर, बजट तक आप ही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे। अभिषेक का क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन का रिलेवेंस किस चीज से था, मेरी क्लास से था कि मेरे रहने पे था, ऑब्वियसली क्लास से ही होगा सर। आगे देखें, उसके बाद देखो बच्चों, ये एग्रीकल्चर वाला सेक्शन याद रखना, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम से स्टोरेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट,
मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड एंड इश्यूज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एड ऑफ द फार्मर्स की फार्मर्स को क्या हेल्प मिलनी चाहिए। ये सारे सिनेरियो में कुछ भी आपको होता हुआ दिखे आप अपने तुरंत ध्यान खोलो और उसको पढ़ो, उसको ध्यान रखो। हम इसका बेसिक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर एडवांस करंट अफेयर के अंदर पढ़ते रहेंगे। हर महीने कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है तो वो चलता रहेगा। समझ में आ रही बात? इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे अभी देखो मेजर क्रॉप्स के ऊपर ये क्या बनता है आपका कि आपकी जो पाली जलाई जाती है, ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए वो पॉल्यूशन फैला रही है, तो उसको कैसे डील किया जाए। साथ ही साथ सिर्फ वो पॉल्यूशन ही नहीं फैला रही, वो साथ ही साथ क्या कर रही है, जो फील्ड है, जो आपका जो खेत है, उसको भी क्या कर रही है, उसको भी बेकार कर रही है, क्योंकि जो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे मर जाते हैं, जिससे खेत की उपजाऊ जो है वो खत्म हो रही है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, सिलेबस ध्यान रखना। उसके बाद इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, आपको पता है बहुत सारी तरीके की क्या दी जाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देख रहे हो बच्चों, इससे क्वेश्चन अभी अपन ने करा था, एक पहला ही क्वेश्चन इसी से करा था रिलेटेड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करा था। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है, इसका ऑब्जेक्टिव बताओ, फंक्शनिंग बताओ, इसकी लिमिटेशंस बताओ, ठीक है, बफर स्टॉक सिस्टम क्या इशू करता है वो बताओ, फूड सिक्योरिटी के बारे में बताओ, टेक्नोलॉजिकल मिशंस बताओ कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी इसको इनहेंस करेगी, हाँ इकोनॉमिकल एनिमल, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको देख रहा है। इकोनॉमिकल एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं कोई बताएगा मुझे, इकोनॉमिकल एनिमल्स के नाम बताएगा कोई, गाय बकरी भैंस, गाय बकरी भैंस, मुर्गी 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 और सुअर, है ना, ये सारी चीजें क्या है आपके इकोनॉमिकल एनिमल्स हैं। टाइगर को इकोनॉमिकल एनिमल कहेंगे, जू वगैरह में ब्लैक मार्केट में तो बिकता है सर, भट साहब सारा काम लीगल, तुम अभी सर्विस में आए नहीं हो, तुम आज ही से सोच रहे हो कि मतलब है मार्केट तो बड़ी है सर। अभी एक भैया ने बोला है सर, जिसने भी बोला है मैंने सुना जरूर है। चलो आगे देखो, उसके बाद देखो फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशंस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है आपकी, करंट अफेयर से। लैंड रिफॉर्म, अब लैंड रिफॉर्म बहुत सारे टाइम पे बहुत सारा आया था, अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो मुझे कोई बता सकता है नाइन्थ शेड्यूल क्या करता है, कोई है यहाँ पे जो बताएगा मुझे बात, फर्स्ट लैंड मतलब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है सर वो, बहुत बढ़िया, यही हमें नहीं पता मतलब पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो उससे ऐड किया गया था ये। अरे है क्या ये जमींदारी से रिलेटेड जो भी लॉ था सर, अब हिंदी में बोल दे, भट्ट ने दो चीजें करी, पहले मैंने लैंड रिफॉर्म के आगे लिखा नाइन्थ शेड्यूल, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, दूसरा उसके बाद इसने ये बोल दिया था फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, और जब लैंड रिफॉर्म की तो जमींदारी से रिलेटेड होगा सर, गवर्नमेंट जो जमीन ऑक्यूपाई करना चाहती है कहीं पर भी डेवलपमेंट के लिए तो उसका प्रोसेस होगा। तो भाई वो तो हम राइट टू प्रॉपर्टी को हटा चुके हैं, उसके अंदर भी यही हो रहा था, तो ये नाइन्थ शेड्यूल का क्या नया बवाल है सर? ऐसा था ना कि इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारी जमीन ना बड़े बड़े जमींदारों के पास थी, लेकिन मतलब बिल्कुल यही तो वेट कर रहा था अभिषेक, यही हम बोलना भी चाह रहे थे। हाँ ये फिर सरकार ने सोचा कि नाइन्थ शेड्यूल किया था जिसमें वो सारे सब्जेक्ट डाल दिए जहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये अधिकारों वाला नहीं लगा सकते। हाँ जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था नाइन्थ शेड्यूल के अंदर जितने भी आर्टिकल डाले गए, बट इसमें भी केशवानंद भारती के बाद चेंज कर दिया गया और बोला गया कि
हाँ वहां तक तो हम आपको जितने भी हैं बच जाएंगे, उसके बाकी जो जितने भी होंगे उनके ऊपर अब जुडिशियल रिव्यू भी है। तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक बड़ा ही क्या है आपका 9th शेड्यूल का रोल है, क्लियर है बात। क्योंकि जब भी लैंड रिफॉर्म होता था तो ये लोग क्या करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर भाग जाते थे, किसके पास, किसके पास भाग जाते थे, सुप्रीम कोर्ट। अब भाई रिफॉर्म हो ही नहीं पा रहा था, कभी ना कभी कोई ना कोई मुंह बना के पहुंचा रहता था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट करा गया, बोला ऐसा है जो भी लॉ जो भी एक्ट लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड होगा और उसको 9th शेड्यूल में डाल देंगे तो जुडिशियल रिव्यू से क्या हो जाएगा, अपने आप ही बाहर हो जाएगा। इससे क्या होता है, लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़ी आपका, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट में चीजें तेज हुई। हाँ अभिषेक पूछ बेटा। सर एग्रीकल्चर को भी 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं क्या? एग्रीकल्चर 7th शेड्यूल में है। नहीं नहीं तुम समझे नहीं बात, हो एग्रीकल्चर क्या है पहले समझो, एग्रीकल्चर कोई लॉ थोड़ी ना है। अच्छा अगर मान लो ये जैसे मतलब ये अभी तीन आए थे ना वो एग्रीकल्चर पे, वही तो बता रहा हूँ। अब जो बिल आए, जो फार्म बिल्स आए थे उनको डाल देते हैं अगर, तो इस शेड्यूल की वैल्यू तो खत्म कर देते हैं ना 1978 में, बोल दिया है ना 1978 से पहले वालों पे तो चलो जुडिशियल रिव्यू नहीं करे, पर 1978 के बाद जितने भी हैं उन पर सब पे जुडिशियल रिव्यू होगा, डाल दो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जुडिशियल रिव्यू का मैटर रहेगा। नहीं वो तो बेसिक स्ट्रक्चर जब मतलब तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तभी तो रिव्यू होगा ना, वरना थोड़ी होगा, हर पे होगा। नहीं 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 9th जून की लिमिटेशन भी करी ना केशवानंद में, दो चीज करी गई, बेसिक स्ट्रक्चर की तो बात करी करी गई थी, और भी बहुत सारे चेंज हुए थे वहां पे। जब मैं पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। ओके सर। और कोई पता है, मैं तुम लोगों को एक कमाल की बात बताऊं, तुम लोगों की क्लास की सबसे खासियत मुझे क्या लगती है वो ये है कि तुम लोग टू वे कम्युनिकेशन करते हो। मुझे नहीं पता कि और टीचर इस बात को लिए कितना अप्रिशिएट करते हैं या क्या करते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका, जहां बच्चे अपना पार्टिसिपेशन दे रहे होते हैं, बच्चे ऐसे नहीं बैठे होते कि सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है वो अच्छत लेके बैठे हुए हैं और वो क्या कहते हैं वो कौन सा फूल होता है वो पीले रंग का लंबा सा होता है, हाँ वो जो भी होता है, उस फूल को लेके हम बैठे रहते हैं और जैसे ही टीचर की क्लास खत्म हुई फोन के ऊपर फेंक के हाथ जोड़ के आगे बढ़ लिए। हाँ अभिषेक कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। नहीं सर हो गया, हुआ रहा तो क्या था ये किसका एसएमएस है? अच्छा ये मेरा ही वो सर, वो अभी आपने कहा ना कि आप पॉलिटी भी आप ही पढ़ाओगे तो अच्छा ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ पे बात। आगे देखो जी सर, और देखो आगे उसके बाद लिबरलाइजेशन। अच्छा इंडिया में फादर ऑफ लिबरलाइजेशन कौन है, सॉरी लिबरलाइजेशन कौन है, इंडिया के फादर ऑफ लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है? श्री मनमोहन सिंह। ऑब्वियस सी बात है मनमोहन सिंह, ठीक है। अच्छा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर चेंज आता है। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, मैं आपको छोटी सी एक नॉलेज बता देता हूँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है किसके द्वारा, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है तो इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा। कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जबकि इकोनॉमिकल पॉलिसी जो बनती है, फिस्कल पॉलिसी जो बनती है वो बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है कौन बनाता है आपका? आरबीआई। अच्छा तो लिबरलाइजेशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, ये भी देखना है। अब इस ग्रोथ की जब बात होगी तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या, इकोनॉमिक फोरम को भी, क्योंकि इकोनॉमी फोरम बोल रहा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात यहां पर। इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवे, इन सभी के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है।
साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट मॉडल को भी ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट के कौन से मॉडल यूज किए जा रहे हैं। क्लियर है बात? तो ये था आपका सिलेबस। पहले तो मुझे बता दो, इस सिलेबस को देख के क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई टर्म समझ में नहीं आई होगी? सर ये टर्म बता दो मुझे। कोई दिक्कत? अभिषेक कुछ पूछना है आपको कि आपका ये हाथ वैसे है जैसे मतलब पहले गलती से था? सर ये लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट ओपन द इकोनॉमी फॉर ऑल सेक्टर्स। यहाँ पर मोनोपोली खत्म कर दी गवर्नमेंट ने, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, लाइसेंस खत्म कर दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया, इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, कैसे बोलोगे सर कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 1991 से पहले जाओ तो ज्यादातर चीजें किसके कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट की या फिर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के। आज गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया है, लिबरल कर दिया कि भैया आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप भी आओ जॉब आप भी करो। कोटा डिसाइड कर रखा था। कोटा डिसाइड करने का मतलब क्या है कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा का बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकते हो, उसे भी खत्म कर दिया लिबरलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, बोला गया कि नहीं आप अपने बिजनेस को किसी भी तरीके से क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, बट बिजनेस मस्ट बी लीगल, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अभिषेक को लगा सर ने बोला लिबरलाइजेशन है गांजा बेचेंगे, गांजा अगर लीगल नहीं है तो लिबरलाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो बताओ। किसी और को कोई डाउट, कोई और समस्या? तो पता चल गया तैयारी कैसे करनी है इकोनॉमिक्स की। Yes, यहाँ पे कोई डाउट हो किसी को तो बताओ प्लीज। सर आप जो भी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे ना सर, उसको प्लीज हिंदी में भी करवाइएगा। बहुत जल्दी बोल दिया, मैं यही वेट कर रहा था कौन बोलेगा ये बात। नहीं सर, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इंग्लिश समझ में नहीं आती सर, लेकिन क्योंकि हम लोग को हिंदी में लिखना है तो हमको उसके भी वर्ड्स चाहिए, इसीलिए दैट्स इट। नहीं मुझे इस बात से कोई इशू नहीं है सर, मैं सिर्फ इस बात पर टेंशन ले रहा था कि बच्चों ने बोली क्यों नहीं है सर, क्योंकि ये पूरा समझ में आ रहा था ना इसलिए बोली नहीं। और उस समय क्या होगा कि अब क्योंकि सर ये समझ में तो आ रहा है ना कि वो लिबरलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्री पॉलिसी क्या है, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, हमको समझ में आया। लेकिन जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हिंदी में हमको पता होने चाहिए, मैंने सिर्फ इसलिए अपनी बात रखी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैं हिंदी में कोशिश ये करूंगा कि देखो पूरा तो पूरा हिंदी में मिलता नहीं है, ठीक है, बट जितनी टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स की तो स्पेशली सारी टर्म्स मैं आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, साइड में ही लिखी जाएंगी हिंदी में भी। ठीक है जी सर, चलो एक छोटा सा सेक्शन है, बहुत छोटा सा सेक्शन है, मैं सोच रहा हूँ टाइम बचा है अपने पास, जब तक पढ़ाएंगे सर तब तक पढ़ाएंगे। भैया हमारा क्लास है आगे, ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं पूरी जिंदगी बैठ के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी आगे भी तो क्लास है। अच्छा ये पीडी वगैरह आपको कहाँ सेंड करनी पड़ेगी, आप लोगों का ग्रुप वगैरह बना होगा, मैं मिश्रा सर को दे दूंगा, वो आगे आपको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में बैठ के तसल्ली से लिखना, अभी सिर्फ समझने पर ध्यान देना। ठीक है भाई, क्लियरिटी है सभी को? जी ओके जी सर। चलो यहाँ देखो जरा, बहुत बेसिक टर्म समझा दे रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं, बहुत बेसिक बातें जिससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। देखो इकोनॉमिक्स की जब भी बात होती है तो ये बात दिमाग के अंदर रख लेना, इकोनॉमिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है, जिसका काम जो है वो क्या है, आपकी सोसाइटी के लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर स्कैरसिटी को क्या करना, स्कैरसिटी वाली प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। अगर मान लो कि मेरे हड्डियों में दर्द होता है तो मैं किसके पास जाऊंगा, ऑर्थो के पास जाऊंगा, वही बताएगा इसका इलाज। ऐसा तो नहीं किसी मैकेनिक के पास चला जाऊंगा और बोलूंगा मेरे पैर खोल के देख भैया क्या हुआ है। उसी तरीके से व्हेन एवर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं,
लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज है तो इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमें चूज करना पड़ता है। कोई तुम में से ऐसा बैठा है जिसको नमक को लेकर के टेंशन हो जाती है? कोई बैठा है ऐसा कि नमक को लेकर टेंशन हो गई कि हाय भैया दो थैली नमक आ गई अब इसका क्या करें? पर अभी घर के अंदर 5 लीटर दूध आ जाए, अभिषेक कह देगा मम्मी खीर बना दो, है ना, भट्ट साहब कहेंगे ऐसा है कि घिया मंगा लो, घिया कस करके और उसको डाल दो और बढ़िया से वो क्या कहते हैं बिस्किट टाइप के जो बनते हैं, मिठाई टाइप की घर की जो होती है वो बना दो, क्योंकि क्या है आपके पास अल्टरनेटिव यूज है। पर जिन चीज के अल्टरनेटिव यूज नहीं है उसके साथ प्रॉब्लम भी नहीं है। और जहां प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे भी सोसाइटी में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है यहां तक? इज इट ओके? हाँ मनोज कह रहा सर टूथपेस्ट में नमक खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे? अब देखो आगे। हाँ सर ये ऑल्टरनेट वाली जो बात बताई वो थोड़ा सा नहीं पकड़ पाया। हाँ फिर से समझो, इकोनॉमी वाली बात पकड़ लिए, मैं समझा रहा हूँ। देखो मान लो, अब देखो यहाँ पे, एक तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक तो बड़ी बात तो यही पानी है, एक मान लो पानी क्या है लिमिटेड है, लिमिटेड होने के साथ साथ इसका यूज भी बहुत ज्यादा है अलग अलग। भाई पानी का नहाने में भी यूज करते हो, पीने के लिए यूज कर रहे हो, कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हो, अगर इसका अलग अलग यूज ना हो तब भी इसकी प्रॉब्लम को समझा जा सकता है। कि मान लो किसी की कैंसर की दवा है तो सिर्फ कहाँ यूज होती है? कैंसर में। ऐसा तो नहीं है ना कि घर में मान लो आपको बुखार हुआ, आपका बुखार ठीक हो गया, गोली बच गई चार, तो मम्मी ने बोला अरे बेटा अभिषेक, बोला हाँ, वो बड़ा वाला लड़का तो ठीक हो गया, बोला हाँ भैया तो ठीक हो गए, तो बोले ये जो दवा दर्द की गोली है ना ये तुम खा लो, बोला मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है, बोला नहीं बेटा कहा हो जाएगा, खा लो ठीक हो जाओगे, बोला मम्मी मैं ठीक हूँ क्यों खाऊ मैं दवा, क्योंकि उस दवा का क्या नहीं है अल्टरनेट यूज, एक ही यूज था जिस पर्पज के लिए आई थी वो पर हो गया बात खत्म। पर तुम्हारे मम्मी पापा को 100 का एक तो कम वक्त 100 रुपए, दूसरा सबसे बड़ी परेशानी क्या, 100 रुपए से बहुत कर सकते हो, गोल्ड है ठीक है, समझा, जा करके कहीं क्या कर सकते हो, मोमोज खा सकते हो, छीन के ले सकता है, तो अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम है। और ह्यूमन वांट्स और डिजायर तो अनलिमिटेड है ही है, जितना मिले उतना कम। तुम क्या लग रहा है तुम आईएएस बन जाओगे तो जीवन में खुश रह लोगे? मिथ है ये। तुम आईएएस बन जाओगे तुम सोचोगे बंगला ले ले, बंगला ले लोगे तुम सोचेंगे किसी की कोठी हड़प लें, तुम कोठी हड़प लोगे तुम सोचोगे किसी का घर ही हड़प लें, पूरा का पूरा देश हड़प लें, समझे बात को? अनलिमिटेड वांट्स है, क्लैरिटी आ गई यहाँ पर। तो इनके बीच में जो समन्वय स्थापित होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है, उस प्रॉब्लम से डील करने का जो काम करता है, उस शब्द हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। बोलो भाई कोई डाउट हो तो इस बात में रेज योर हैंड, किसी को कोई डाउट हो तो। अभिषेक क्लियर हो गई बात? किसने पूछा? सब पूरी नहीं हुई क्योंकि मतलब ये चीज तो सुनते आए हैं कि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को पूरा करना यही इकोनॉमी होती है, ये पता था, लेकिन वो जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ना कि वो अल्टरनेट यूज नहीं है तो वो हम नहीं पकड़ पा रहे। देखो ना समझो ध्यान से, जिस भी आपके पास एक तो समझो लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप इस बात से सहमत हो? हाँ सर। अच्छा आपकी अनलिमिटेड वांट्स है, ये बात भी सहमत है? बिल्कुल। बट क्या जो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं, क्या सिर्फ उसका एक ही यूज है? नहीं नहीं है। तो उसका यूज क्या है? बहुत सारे। और जिस चीज का बहुत सारे यूज है वहां पे प्रॉब्लम क्या होगी? कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। यस और नो? ठीक है। कंफ्यूजन स्टार्ट हुई तो प्रॉब्लम आई, और अगर प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई सब्जेक्ट चाहिए। हाँ। और वो सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? मतलब अल्टरनेट को किस तरह से यूज करना है ये बेसिकली इकोनॉमी में बताया जाता है, इकोनॉमिक्स में बताया जाता है। भैया पानी है पर पानी का उपयोग कैसे करना है? पानी हम नल से देंगे, पानी हम अचोरी में देंगे, या पानी हम बोतल में देंगे, ये बात गवर्नमेंट जब डिसाइड कर रही है, इसके लिए जो पॉलिसी बना रही है, उस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को ही तो क्या बोल रहे हैं हम कि भैया इकोनॉमी चल रही है।
आ रही है बात समझ में? ठीक है सर, गॉट इट। क्या चीज? मतलब ये तो इकोनॉमी। लक्ष्मी जी आपके नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ फिर से बोलिए। मेरे लाल कुछ बोल रहे हो आप, सुनाई दे रहे हो? सर वॉइस वॉइस है सर, मैं बाद में पूछूंगा। कोई बात नहीं, आप फिर से पूछ लेना, लिख लो, कोई डाउट है तो लिख लो उसे, ठीक है ना, कहीं भूल मत जाना। दूसरा देखो, यहाँ देखो आप जरा, अब बाबू भैया है, प्रॉब्लम देखो बाबू भैया, बाबू भैया के पास पैसे क्या है? लिमिटेड। बोलो भैया, 10,000 है बाबू भैया के पास। तो अब बाबू भैया की दिक्कत क्या है कि बाबू भैया को पिज्जा भी खाना है, बाबू भैया सोचे फोन भी ले ले, बाबू भैया सोचे क्या ले ले, बाइक भी ले ले, बाबू भैया सोचे किराए पे घर ले ले, चौल से निकल जाए बाहर। यही तो उनकी क्या कहलाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यही तो उनकी स्कैरसिटी है ना रिसोर्सेज की। अभी रुपया सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज होता तो क्या बाबू भैया परेशान होते? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ये तुम्ही को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि सिर्फ पढ़ना है और कोई काम नहीं है, तुम्हें किस बात का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर तुम्हारी टेंशन क्या है कि दोस्त ने बोला है मूवी देखने चलेंगे, तुम्हें लग रहा है यार हमारे दोस्त तो गोवा जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास टाइम है तो टाइम का अलग अलग यूज है, और उस अलग अलग यूज में तुम प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो, और यही और इसी से डील करने के लिए जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इज इट ओके? क्लियरिटी क्रिस्टल क्लियर हो गई बात? किसी को डाउट इस बात में है? कोई डाउट किसी को? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देख लो, इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ तीन ही तरीके की एक्टिविटी होती है, या तो प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर मतलब कौन, उत्पादक, जो वस्तु का क्या कर रहा है, उत्पाद कर रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू गुड। दूसरी चीज क्या हो रही होगी भैया, डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ गुड्स को भेजना नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में किस चीज को मानते हैं हम लोग, इनकम को भी। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है आपका, इन्वेस्टमेंट भी। आप बोलोगे सर कैसे समझाओ, आप मुझे बताओ बिहार और दिल्ली में क्या फर्क है? क्या वहां के आदमी के चार पैर होते हैं और यहाँ पे तीन, क्या फर्क है बताओ भाई, कोई बताएगा मुझे? अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है वर्किंग, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, यानी ये कहते हैं यहाँ पे ज्यादा है, बिहार में इन्वेस्टमेंट कम है। ये कह सकते हैं कि दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्यादा है कंपैरिजन ऑफ बिहार के। और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है। बात सही है नहीं है? अग्री। अच्छा, कंज्यूमर कंज्यूम क्यों करता है? कंज्यूमर कंज्यूम क्यों करता है? दो चीजों से, या तो उसकी नीड होगी या फिर उसकी क्या होगी, डिजायर होगी। या तो नीड होगी या फिर डिजायर होगी। इसके सिवा कोई और तरीका है, कोई और है उसको कि वो और इसी के लिए? मान लो आप में से कौन ऐसा है जो गांजा वंजा फूंकता है, ऐसे कौन मानेगा ये बात? कोई है वैसे? नहीं। तो मान लो तुम अगर गांजा नहीं फूंकते हो तो तुम कोई गांजा वाले के पास जाके बैठोगे थोड़ी ना कि भैया हम तो देखने आए थे कैसे फूंकते हैं। कंज्यूमर इज ऑल नीड डिजायर, उसको नीड होगी तो मांगेगा, नीड नहीं होगी तो नहीं मांगेगा। जैसे आप देखो छोटे बच्चों का जो स्कूल्स होते हैं वहां पे चीजें बिक रही होती है, वो कैसी बिक रही होती हैं, चॉकलेट बिक रही होती है, कैंडीज बिक रही होती हैं। पर वहीं पर देखो कॉलेज जहां पर है वहां पे क्या बिक रहा होता है, सिगरेट बिक रहा होता है, पान बहार, केसर का दम, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर उस तरीके के कंज्यूमर है। क्लियरिटी यहाँ पे? कोई डाउट इसमें यहाँ पे किसी को? रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। पूछो भाई किसी को डाउट हो तो। नहीं है कोई डाउट? आगे देखो। सो इकोनॉमिक्स के पापा बोले जाते हैं कौन? इकोनॉमिक्स के पापा बोले जाते हैं कौन? एडम स्मिथ अंकल। फैक्ट है, आपके पेपर में आना नहीं है। और इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने पहली बार डिफाइन करी थी, उनकी एक बुक थी 1776 में, बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन। और याद रखना जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, यानी क्या बोलते हैं जिसको, आपकी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, उसके जनक भी कौन माने जाते हैं आपके, एडम स्मिथ।
क्योंकि एडम स्मिथ का कहना था लेजिस्फेयर होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्फेयर, यानी लेस इंटरफेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ इकोनॉमी. इनका कहना था कि गवर्नमेंट का काम जो है वो गवर्नेंस का होना चाहिए, ना कि बिजनेस होना चाहिए. ना कि क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए. गवर्नमेंट का काम सिर्फ क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का होना चाहिए, ना गवर्नमेंट क्या कर रही हो, बिजनेस कर रही हो. और ये एडम स्मिथ के थॉट के. क्लैरिटी यहां पर, कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ अभिषेक बोलो. सर हमारा नेशन तो वेलफेयर स्टेट है, तो हम लोग मतलब ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला फिर जो फॉलो कर रहे हैं, जब ये कैपिटलिस्ट स्टेट का फंक्शन है तो. हाँ तो हम तो धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ना अब. हम धीरे से किधर जा रहे हैं अभिषेक? आपको देख के इकोनॉमी को नहीं लग रहा इकोनॉमी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है? हाँ सर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वेलफेयर स्टेट कई जगह बताया गया ना. डीपीएसपी में बोला है कि बताया है. डीपीएसपी क्या है आपको पता है ना? डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी इज जस्ट लाइक अ पर्सन जो फ्यूचर में हम इंप्लीमेंट करेंगे. तो हम फ्यूचर में इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, ये भी नहीं है अभिषेक. इसमें क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है कि जैसे जैसे मान लो आपने अपनी होने वाली मिसिस के लिए कुछ लिस्ट तैयार करी होगी, सुंदर होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, 20-50 हजार रुपए कमाती हो, ठीक है, मेरी इज्जत करे, ठीक है, प्यार करे. ऐसी लड़की नहीं होती है. हाँ, ऐसी कोई लड़की जीवन में उपलब्ध नहीं है. तुम्हारी कल्पनाएं हैं. उसी तरीके से डीपीएसपी सिर्फ क्या है, कल्पना कि ऐसा होना चाहिए. तो इंडियन इकोनॉमी 1991 से पहले पूरी तरीके से सोशलिस्ट, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का माइंडसेट कैसा था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट था. हाँ, पर जैसे ही पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई और हमने लिबरलाइजेशन को ऑप्ट करा, हमने इकोनॉमी को मिक्स्ड कर दिया. और मोदी सरकार, क्योंकि आपकी जो बीजेपी है वो शुरू से कैपिटलिस्ट माइंडसेट की गवर्नमेंट है, तो वो किसकी तरफ लेके जा रही है? ये जो रेलवे का डिसइन्वेस्टमेंट देख रहे हो आप, ये किस चीज को दिखा रहा है? ये दिखा ही रहा है किस चीज को, कि भाई इकोनॉमी को क्या करा जा रहा है, कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाया जा रहा है. आ रही बात समझ बेटा? क्लैरिटी शेख? डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो तो मतलब ये है कि सरकारी पैसा निकाल के दूसरी जगह पे कहीं खड़ा करना, ताकि मतलब नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सके. बिल्कुल, पर एक बात समझो ना, वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो उनकी होल्डिंग थी जिस जिस से वो लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहे थे, अब ऐसी क्या रेलवे दूसरी खड़ी तो नहीं करने वाले हैं वो? यस और नो? है ना, वो उस पैसे को कहाँ लगाएंगे? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए. इसी को तो गवर्नेंस बोलेंगे. बिजनेस से बाहर हो रहे हैं ना, अपने आप को कर रहे हैं धीरे. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अब ये क्या कह रहे हैं, ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन कैसे कर रहे हैं. ये बोल रहे हैं कि मान लो अभिषेक से था कि अभिषेक जी आपके गांव के अंदर आप क्या कहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलेंगे, तो अभिषेक जी ने बोला हाँ सर देंगे, हमारे पास अपनी जमीन है. तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 50 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे. समझो ध्यान से, ठीक है. पर इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया, पुश दिया गया. रियलिटी में कंट्रोल तो किसका रहेगा उस पर, आप ही का रहेगा ना. आप गवर्नमेंट से पैसा लोगे, बाद में गवर्नमेंट को पैसा क्या कर दोगे, वापस कर दोगे, या फिर कुछ सीटें रिजर्व कर दोगे. पर वो आपका ही तो स्कूल है ना, सब्सिडी लेकर थोड़ी ना कि गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी इसको. अगर गवर्नमेंट अपने अंडर में सारी चीजें चलाएगी तो उसको फिर सोशलिस्ट बोलेंगे. बात समझ में आ रही है? जैसे बैंकों को क्या करने में लगी हुई है गवर्नमेंट, सेल आउट करने में लगी हुई है, मर्जर कर रही है. मर्जर ना एक तरीके से, मर्जर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सेल आउट. पहले मर्जर करेगी, बाद में क्या करेगी, अपने शेयर्स को क्या कर देगी, धीरे धीरे कम करेगी. जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल देखो एलआईसी, क्या कर रही है एलआईसी के साथ, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, पब्लिक के पब्लिक इंटरफेरेंस दे रही है. इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ज्यादातर किसकी तरफ बढ़ रही है, गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है, ना कि बिजनेस की तरफ बढ़ रही है. क्लियर एकदम? कोई डाउट इस बात में? ओके सर. ठीक है अभिषेक? ओके सर. आगे देखो,
माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट होते हैं इकोनॉमिक्स के। माइक्रोइकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से और मैक्रोइकोनॉमिक्स डील करता है आपके, अगर मैं कह रहा हूं तो वो प्रॉब्लम कौन सी इकोनॉमी की है, माइक्रो की। और मैं कह रहा हूं कि पूरे के पूरे दिल्ली में लोगों के पास नौकरी नहीं है तो वो प्रॉब्लम कैसी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। क्लियर है? जहां पे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो उसको मैं मैक्रो बोलूंगा क्योंकि वो पूरी की पूरी की बात करता है, और माइक्रो बात करता है इंडिविजुअल लेवल की, इंडिविजुअल ग्रोथ की, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की। क्लियर है बात? कोई डाउट है किसी को? जहां पे हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हो क्या है, मैक्रो पर्सन की बात कर, इंडिविजुअल की बात कर रहे हो माइक्रो है। आप दोनों को वर्ड क्लियर हो गए, माइक्रो और मैक्रो? तो ध्यान से समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं कौन आपके, अल्फर्ड रसेल, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर माने आपके जे एम केन्स, केन्स के से। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स का बेस क्लियर रहे, आपको हवा सा ना लगे सब, ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है पर ये आपको जानना जरूरी है, एक सब्जेक्ट की बेसिक, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, जो माइक्रो मैक्वर्ड है उसको भी कौन लेकर के आया, रेंगर प्रिंस 1933 में, इन्होंने माइक्रो और मैक्रो वर्ड दिया, इन्होंने क्या दिया, माइक्रो और मैक्रो वर्ड दिया। आगे देखो नेक्स्ट, दो तरीके की और इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, एक होती है आदर्शात्मक और एक होती है क्या, सकारात्मक। बताओ भाई पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा? कैसे शांत बैठी है पूरी क्लास, किसी को नहीं पता पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव में शायद ऐसा होता है कुछ, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए जाते हैं कि हमें ऐसा ऐसा अचीव करना चाहिए, मतलब करना चाहिए पे होता है जो। अभिषेक हाँ अभिषेक अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि डीपीएसपी जो है वो नॉर्मेटिव है, आइडल बातें हैं। Yes, तुमने लड़की से वादा किया है कि मैं आईएएस बन के तख्त मांगने आऊंगा, हाँ, और जैसे तुम आईएएस बने तुम लवासना गए, तुम्हें लगा यार मेरे पास जो मॉडल है वो तो सही नहीं है, इधर ही देख लो कुछ। तो जो रियल सिनेरियो है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। भारत में पॉपुलेशन और पॉल्यूशन है, इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। हम कह रहे हैं कि भारत को राम राज्य बनाएंगे या बनना चाहिए, ये क्या है, नॉर्मेटिव। जहां स्टैंडर्ड सेट करा गया है ऐसा होना चाहिए, भारत डेवलप्ड होना चाहिए, और भारत को डेवलप करने के लिए जो अभी स्टेप लिए जा रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे आपके, पॉजिटिव। क्लियर है बात? यहाँ पर किसी बच्चे को इस बात में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है? इकोनॉमी के हिसाब से सर कोई एग्जांपल देंगे? इकोनॉमी के हिसाब से देखो, जैसे मान लो गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2025 तक क्या कर देंगे हम भारत को, आपका क्या कर देंगे, घर घर सप्लाई दे देंगे। क्या कर देंगे हम भारत को 2025 तक सबके घर घर क्या दे देंगे, पानी की सप्लाई दे देंगे जल शक्ति मिशन के अंदर। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मेटिव है। आज का सिनेरियो क्या है कि 70% लोगों तक पानी पहुंच गया है, ये पॉजिटिव बात है। जो अभी करंट सिनेरियो है उस पर जो बात की जाए तो पॉजिटिव है। और नॉर्मेटिव क्या है कि भारत के अंदर से गरीबी कम कर देंगे, ये कैसी बात है, नॉर्मेटिव। आदर्शात्मक बात है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए, पर क्या खत्म हो गई? अच्छा, भारत पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, ये कैसी बात है, नॉर्मेटिव। भारत दो चाइल्ड पॉलिसी लेके आ चुका, ये कैसी बात हो गई, पॉजिटिव। क्या बात है, और किसी को डाउट बोलो भाई?
क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोला करो यार तुम लोग। यस सर, क्लियर है। तुम लोग नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ा करूंगा। जैसे ये कहानी, आदमी चाहता क्या बनना है? राम। बना हुआ क्या है? स्नूप डॉग। जिनको नहीं पता है कौन है, अमेरिकन रैपर है। ठीक है, क्लैरिटी है यहाँ तक? किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो? जी सर, क्लियर। आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब आज टाइम हो गया 9 बाद, क्या कहते हैं, 22 हो गए, 20 हो गए। ठीक है, बताओ किसी को कुछ पूछ रहा हो, किसी को कोई डाउट हो? लास्ट 5 मिनट आपके सेशन के, आप अपने डाउट रेज कर लो, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का बोलो भाई। सभी के लिए वेलकम है, डाउट पूछो, कुछ भी पूछ रहा हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। हाँ अभिषेक, पूछो बेटा। सर ये नॉर्मेटिव वाला ही इकोनॉमी कोई एग्जांपल दीजिए ना, समझ में नहीं आया मतलब। नहीं नहीं, समझो समझो समझो, समझो बहुत ध्यान समझो। इकोनॉमिकल लैंग्वेज में बात समझो, समझो इकोनॉमिकल लैंग्वेज में। गवर्नमेंट ने तुमको एक वर्ड बोला था याद हो तो, कि इंडिया को 2020 तक हम कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी करवा देंगे, याद है? ये 5 ट्रिलियन चल रहा था, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करवा देंगे, पता तो नहीं बात। ये कहना कैसा कहलाएगा? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। और आज इंडिया कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है? लगभग 2.5। ये क्या है इंडिया की? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये सत्य है इंडिया का। ठीक है, जैसे अभी तुम अपने घर पे बोलो कि मम्मी मैं अगली साल IAS बन जाऊंगा, ये बात कैसी है? नॉर्मेटिव। मम्मी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, ये बात कैसी है? पॉजिटिव। समझ गए बात को? जहां पे रियलिटी में कुछ बात कर रहे हैं वहां बात हो रही है, और जहां पे हवाई फायर चल रहा है वो है नॉर्मेटिव। सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है या फिर इकोनॉमी है? इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम ढूंढने का काम तो इकोनॉमिक्स का ही है ना। इकोनॉमी के अंदर जो ढूंढा जाता है, ठीक है, आपके आपकी बॉडी के अंदर ही तो लंग्स है ना, तो बायोलॉजी जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, और आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो आपके ऑर्गन्स हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, क्योंकि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने का काम किसका है? इकोनॉमिक्स का। यस और नो? ठीक है सर, वो हमें इकोनॉमी लग रहा था तो उस पे नहीं, 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 नहीं। समझ गया मैं, मतलब कोई एक स्टेट होगा जो इकोनॉमी नॉर्मेटिव। नहीं नहीं, समझ गया मैं। हाँ भाई, और कोई, किसी और का कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी रैंडम थॉट हो, कुछ भी प्लीज पूछो। पक्का किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो, टेक केयर योर सेल्फ, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल आपकी क्लास है, तब तक के लिए सभी लोग रखो अपना ध्यान। हाँ, कुछ पढ़ के आना रहेगा, कुछ पढ़ना है अगर आप जाओ एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी ले लो, एनसीईआरटी छोड़ो, आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक उठा लेना। सभी लोग सुन रहे हैं मेरी बात? कहाँ मिलेगी? गूगल पे, ऑनलाइन मिलेगी। हाँ हाँ, अच्छा पीडीएफ। हाँ पीडीएफ। और किसी को कुछ पूछना है? उसमें क्या पढ़ना रहेगा, कितने चैप्टर पढ़ना है? शुरू करो, जो जो टर्म अभी मैंने आज आपको पढ़ाए हैं ना, वो सारे टर्म आपको वहीं मिल जाएंगे। एनसीईआरटी ले आए थे, समझ पढ़ ले। एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, दिक्कत ही है। थोड़ी टफ लिखी हुई है। और कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ तुम कुछ भी लो, मेरे को पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं। अभी रुक जाओ, शनिवार तक रुक जाओ, शनिवार के बाद मैं खुद बताता रहूंगा कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है। अभी थोड़ा करवा दूं ना मैं तुम लोगों को, फिर उसके बाद मैं बताता रहूंगा। अभी होमवर्क नहीं दे रहा भाई साहब, मैं बहुत होमवर्क देता हूं, मैं वो वाला टीचर हूं, स्कूल टीचर टाइप। होमवर्क भी मिलेगा तुम्हें, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी तुम्हें, टेस्ट पेपर भी मिलेगा, DTP भी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा, टेंशन मत लो। तुम लोग एक टाइम के बाद ये कह दोगे यार है इको में बहुत पढ़ाते यार, कहां से क्वेश्चन छूटेगा, पढ़ाया था इतना है हमारा टीचर। भाई और किसी कुछ? नो सर।
चलिए धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, गुड नाइट। मेरी क्या गुड नाइट, एक बजे तक क्लास चलती है, बट आप सभी लोगों की शुभरात्रि, मौज करो, पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर सेल्फ बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं, गुड नाइट सर, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट बच्चों, वेरी वेरी गुड नाइट। मतलब वैसे क्या कहते हैं, उन लोगों की गुड नाइट हो रही है अभी यूपीएससी वालों की, ये भी बड़ी बात है। टेक केयर बच्चों, ये कैसे होता है साइन आउट, साइन आउट, साइन आउट, साइन आउट, साइन आउट, एंड कर दीजिए सर, एंड फॉर वो लीव, लीव लिखा होगा ना, तो लीव कर दूंगा तो सिर्फ क्लास लीव हो जाएगी ना, एंड का ऑप्शन दे रहा होगा सर स्क्रीन के साइड में, लीव दे रहा है, लीव कर दिया मैंने, हां लीव फॉर ऑल कर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा, अभी एंड का भी दे रहा होगा दूसरे सिस्टम से। तुम लोग अपनी अपनी तरफ से निकल जाओ ना, क्यों यहां बैठे हुए हो, घर जाओ, मजे करो, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, रिस्पेक्ट सर, पहले गुरु उसके बाद चेले लोग। Thank you.